हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ट्रिपल ए दिस इज एस अकाउंट्स विद मी अनिकांत और आज का वीडियो ट्वेल्थ अकाउंटेंसी सीबीएसई सिलेबस के सैंपल पेपर को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है टर्म वन एग्जामिनेशन में एज यू ऑल नो नया पैटर्न है दोस्तों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे तो किस तरह का क्वेश्चन पेपर रहेगा कितने चॉइसिस मिलेंगे कैसे आपको अटेम्प्ट करना है OMR की शीट से रिलेटेड कुछ डिटेल्स और पेपर से रिलेटेड कुछ टिप्स और साथ ही पूरा सैम्पल पेपर यहाँ पर मैं सॉल्व करने वाला हूँ तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपका जो अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट कोड है दैट इज जीरो याद रखिएगा आपको इंस्ट्रक्शन फिल करने में काम आएगा आपका जो पूरा क्वेश्चन पेपर है उस क्वेश्चन पेपर के अंदर टोटल फिफ्टी फाइव क्वेश्चन आएंगे टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे फिफ्टी फाइव उसमें से हमें कितने अटेम्प्ट करने हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आपको करने 45 लेफ्ट की तरफ ध्यान दीजिएगा जो भी आप फोर्टी फाइव में से स्कोर करेंगे उसको फोर्टी पे कन्वर्ट करके आपको अवॉर्ड कर दिया जाएगा आपका पेपर फोर्टी मार्क्स ही है कंफ्यूज मत होइएगा फोर्टी इधर

यहां पर 45 मार्क्स का पेपर आपको अटेम्प्ट करना है इन दी अलॉटेड में से आप जो भी स्कोर करेंगे तो आपको 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स दे दी जाएंगे विद एक क्वेश्चन कुछ पॉइंट मार्क्स का आता है पॉइंट मार्क्स पर क्वेश्चन अलॉट होते हैं ये रही पेपर पेपर के टोटल क्वेश्चन और उसमें से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो वाली बात अब आपका पेपर दो पार्ट्स में डिवाइड होगा पार्ट वन एंड टू पार्ट पार्टन पार्ट के अंदर तीन सेक्शन रहेंगे ए, बी और सी सेक्शन ए बी और सी तीनों में ही कितने क्वेश्चन आएंगे कितने अटेम्प्ट करने हैं और कितने अनअटेम्प्टेड लीव करने हैं ये मैं आपको बता रहा हूं देखिए पूरे क्वेश्चन पेपर के अंदर यू आर नॉट सपोज टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन गिवन ये सोच के मत जाना कि 55 क्वेश्चन है तो मैं क्या करता हूं 55 के 55 कर देता हूं जो भी 45 सही होंगे उस पर मुझे मार्क्स मिल जाएंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है अगर आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आते हैं तो आपके बेस्ट सोल्ड क्वेश्चन के ही मार्क्स आपको मिले आपके फर्स्ट सोल्व क्वेश्चन के मार्क्स मिलेंगे ना कि बेस्ट सॉल्व के तो अगर मान लीजिए सेक्शन वन के अंदर टोटल एटीन क्वेश्चन है आप एटीन के एटीन सॉल्व कराते हैं, तो आपके फर्स्ट फाइव चेक हो जाएंगे हो सकता है उन फर्स्ट फाइव के फर्स्ट फिफ्टीन चेक हो जाएंगे हो सकता है उन फर्स्ट फिफ्टीन में आपने कुछ गलती करी हो तो आखिरी तीन सही होने के बावजूद कंसिडर नहीं किए जाएंगे तो इस बात का ध्यान रखना जिन क्वेश्चन को लेकर आप श्योर sure हो जिनको आप इवेल्युएट करवाना चाहते हो उन्हीं को अटेम्प्ट करें और अन अटेम्प्टेड क्वेश्चन का जो सर्कल है उसको मार्क करके आना है ओ एम आर में ओ एम आर से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन में एक बार पेपर पैटर्न समझा दू फिर ओ एम आर से रिलेटेड भी आपको कुछ इंस्ट्रक्शन बता देता हूं तो क्वेश्चंस सेक्शन ए बी सी 18 क्वेश्चन इन सेक्शन ए सेक्शन बी में भी 18 क्वेश्चन है और फाइव क्वेश्चन है सेक्शन सी में पार्ट वन के तीन सेक्शंस सेक्शन ए के अंदर 18 में से आपको सिर्फ 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं सो ऑब्वियसली तीन क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ने हैं सेक्शन बी में 18 है उसमें से भी 15 करने तीन अन्प्टेड छोड़ने हैं सेक्शन सी जो रहेगा वो केस स्टडी बेस्ड सेक्शन रहेगा उसमें पांच क्वेश्चंस आएंगे दो केस स्टडीज आएंगी और उनके बेसिस पे पांच क्वेश्चन आएंगे एक केस स्टडी होगी पार्टनरशिप पे उसके बेसिस पे तीन क्वेश्चन रहेंगे जो सैम्पल पेपर में दिया है और दूसरी जो केस स्टडी है वो रहेगी ऑफ़ शेयर्स कंपनी के बेसिस पे और उसके बेसिस क्वेश्चन से, तो से चार करने राइट right. फिर आते हैं पार्ट टू पे पार्ट टू एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेक्शन ए और सेक्शन बी रहेगा सेक्शन ए के अंदर सेवन क्वेश्चंस हैं उसमें से आपको पांच अटेम्प्ट करने हैं दो छोड़ने हैं और सेक्शन बी के अंदर सात क्वेश्चन है उसमें से आपको छह करने हैं और एक लीव कर देना है इस तरीके से टोटल क्वेश्चंस पेपर में आएंगे 55 आपको अटेम्प्ट करने 45 और अन की टोटल करें तो ऑब्वियसली वो 10 की आती है आपको अन का स्पेशली ध्यान रखना है तो कुछ बेंचमार्क सेगमेंट uh, हैं जो ओ एमआर में करने देखिए दोस्तों ओ एमआर शीट के अंदर है ना ओ एमआर शीट सिक्सटी क्वेश्चन की आने वाली है अब ओ एम आर शीट में सेक्शन नहीं बने हुए सेक्शंस आपके क्वेश्चन पेपर में और हर सब्जेक्ट के सेक्शंस अलग अलग हैं तो आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि कौन से सेक्शन के कितने आपको लीव करने तो उसके लिए हर पेपर के बेंचमार्क क्वेश्चन लर्न करके जाइएगा सर बेंचमार्क क्वेश्चन से आपका क्या मतलब है दोस्त मेरा यह मतलब है कि फॉर अकाउंटेंसी अकाउंटेंसी में क्वेश्चन नंबर 18, देन थर्टी देन 41, देन 48 एंड द लास्ट वन 55। ये पूरे क्वेश्चन पेपर को सेक्शन में डिवाइड कर रहा है जो एटीन क्वेश्चन है ओ का उसके पहले तीन एम सर्कल्स होने चाहिए मतलब तीन क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड जाएंगे ठीक है फिर उसके बाद 36 के पहले भी तीन होंगे 18 टू 36 के के बीच में तीन और होंगे फिर 41 के पहले आपको एक करना है 42 के पहले दो अनअटेम्प्टेड रखने हैं और 55 के पहले वन अनअटेम्प्टेड रखना और 55 हमारे क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है तो ओ में ये बेंच ध्यान रखना आप। आपको अलाउड से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके नहीं आने यू विल बी एट रिस्क ठीक है ना अब ओ शीट से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शन ओ शीट के अंदर माई डियर फ्रेंड्स आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे ऑप्शन मिलेंगे ए बी सी डी इसके बाद एक और स्टार मार्क का होगा और उसके बाद एक हैश और होगा ठीक है वहां पर क्या है यहां पर क्वेश्चन नंबर लिखे हुए वन टू थ्री एंड दे आर आल्सो इन सर्कल्ड ओएमआर नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसका जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उस ऑप्शन को डाकन कर देना है से फॉर क्वेश्चन वन यू थिंक दैट सी इज करेक्ट तो आपने सी को डाकन कर दिया उसके बाद जो स्टार वाला ब्लॉक है उसके अंदर आपको कैपिटल लेटर्स में ऑप्शन लिखना भी है जो भी ऑप्शन आपने चूज किया है ये फाइनल कंसिडर किया जाएगा जो भी आपने स्टार में लिखा है हाथों से वो फाइनल आंसर माना जाएगा मान लीजिए कि आपसे गलती हो गई आपने सी को सर्कल कर दिया पर ऑप्शन ए करेक्ट था तो आप इस स्टार के अंदर ए लिख दें इसके पीछे आपने जो भी किया है वो भुला दिया जाएगा स्टार के नीचे आपने ए लिखा है तो ए को माना जाएगा और आपको मार्क्स मिल जाएंगे तो अगर आपने कोई गलत सर्कल भर दिया है तो उससे रिवर्ट करने का आपके पास एक ऑप्शन है करेक्ट मेरा सजेशन रहेगा कि जब तक आप श्योर नहीं है तब तक ना आप भरिएगा ही मत ये स्टार वाले सर्कल को स्टार वाले को आप लास्ट में ही फिल करिएगा राइट right? एकदम एंड में आप फिल करिएगा ताकि आपके पास रिवर्ट करने का ऑप्शन रहे ठीक है स्टार वाले को क्वेश्चन के ऐसा नहीं कि सी करा और फटाफट यहाँ सी भर दिया फिर आपके पास रिवर्सल का ऑप्शन चला जाएगा मान लीजिए क्वेश्चन टू आप अन अटेम्प्टेड छोड़ना चाहते हैं आप अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं देन वॉट यू नीड टू डू आपको स्टार में तो ऑफ़ ऑफकोर्स कुछ भरना ही नहीं है आपको हैश वाले के अंदर इसको डाकन कर देना है अगर आपने इसको डाकन नहीं छोड़ा तो इसे अनफेयर प्रैक्टिस काउंट किया जाएगा तो मेरी स्पेशल इंस्ट्रक्शन रहेगी आपसे कि इसको अनअटेम्प्टेड आपको नहीं छोड़ना है राइट right, फ्रेंड्स तो आपको हैश को सर्कल कर लेना है अगर आप अनअटेम्प्टेड रखते हैं इस बात का भी ध्यान रखना कि हैश को तभी सर्कल करना जब आप श्योर sure हो कि आप इसको अनअटेम्प्टेड छोड़ रहे हो तो हैश का सर्कल आपको एंड में करना है और स्टार के अंदर ऑप्शन को हाथ से भी एंड में भरना है पेंसिल यूज नहीं करनी है पेन ही यूज करना है तो बॉल पॉइंट पेन लेकर जाएं और एटलीस्ट दो पेन अपने पास रखें कंप्लीट इंक उनके अंदर रिफिल कंप्लीट हो वैसी ठीक है चलिए तो ये पेपर से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके लिए और ओएमआर को कैसे अटेम्प्ट करना है इससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस अब हम सैम्पल पेपर को सॉल्व करते हैं यहां पर मैं जो सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहा हूं उसके अंदर मैं ऑप्शंस को इग्नोर करूंगा मैं सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला हूं आपके लिए बट प्लीज अगर आप घर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं कोई भी सैंपल पेपर आप रेफर कर रहे हैं उस सैंपल पेपर बुक के अंदर आप ओ एम आर शीट उनके पीछे डेफिनेटली दे रखी होगी ओ एम आर शीट को फिल करिएगा और अन अटेम्प्टेड क्वेश्चन करिएगा मतलब अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाना है मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर फर्स्ट सेक्शन है उसमें एटीन में से फिफ्टीन करने तो तीन अनअटेम्प्टेड रखने उसका आपको प्रैक्टिस करना है जब एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं आप तो बिल्कुल एग्जाम को मिमिक करके ही प्रैक्टिस करिएगा टोटल 90 मिनट्स अलॉटेड रहेंगे ध्यान रखना टाइमिंग का मैनेजमेंट करते वक्त कि 90 मिनट्स में आपको 55 क्वेश्चंस पढ़ने तो हैं मुझे करना है या नहीं करना है दिस इज सी बी एस सी का सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने इशू किया है अकाउंटेंसी के लिए पार्ट वन इसका सेक्शन ए सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन है गेन लॉस यहां पे हमको अठारह में से पंद्रह ही करने तीन हम छोड़ सकते हैं पर मैं अठारह के अठारह यहां सॉल्व करूंगा आपके लिए क्वेश्चन नंबर वन है गेन और लॉस ऑन रिवैल्युएशन एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर इज शेयर्ड बाय देखिए एट द टाइम ऑफ लिखा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ठीक है तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सभी पार्टनर्स के बीच में हो जाएगा तो इज बिटवीन ऑल द पार्टनर्स मैं इंक थोड़ी सी ऐसी रेड कलर की ले लेता हूँ अच्छी दिखेगी

और इशू प्राइस हो गई 40 परसेंट फोर्टी परसेंट टेन का ही लिया जाएगा तो टेन प्लस 4, that is 14. है ना, हमें पैसे दे रखे हैं एप्लीकेशन पे तीन रुपए है अलॉटमेंट पे पांच रुपए प्रीमियम का डिस्ट्रीब्यूशन हमें नहीं बताया और फर्स्ट कॉल पे है दो रुपए फाइनल कॉल हमें नहीं बता रखी और वही मांगिए कि सेकंड और फाइनल कॉल पे कितना पैसा आएगा देखिए प्रीमियम का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताया डजेंट मैटर टोटल फोर्टीन रुपीज आने चाहिए एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल मिलाकर करेक्ट है ना तो एप्लीकेशन पे तीन रुपए आए पांच रुपए अलॉटमेंट पे आ गए पांच तीन आठ प्लस दो दस तो फाइनल कॉल चार रुपए की हो जाएगी सर अगर मुझे सेकेंड एंड फाइनल कॉल में प्रीमियम और फेस वैल्यू का डिस्ट्रीब्यूशन भी मांग लिया होता तो मैं क्या करता या करती तो बच्चों एक बात समझना अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपको कहां पर पूरी पूरी है? है तो अलॉटमेंट को फिर अज्यूम कर लिया जाता इज इक्वल टू तो भी फाइनल कॉल की आती पूरी प्रीमियम मैंने पहले अज्यूम कर लिया अगर पूरी प्रीमियम पहले नहीं आई होती तो मैं फेस वैल्यू की डिस्ट्रीब्यूशन अलग करता प्रीमियम के अलग करता और फाइनल कॉल मुझे फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम के रूप में मिल जाती सो दैट्स आर जातीकेंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन करते हैं दोस्तों लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर टू थाउजेंड शेयर एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर थ्री थाउजेंड शेयर तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है यहाँ पर एप्लीकेशन रिसीव्ड जो हैं वो हैं थ्री थाउजेंड की और अलॉट हम कर सकते हैं सिर्फ टू थाउजेंड शेयर जो मैं प्रोस्पेक्टस लेके आया हूं उससे ज्यादा अलॉटमेंट में नहीं कर सकता शेयर्स अलॉटमेंट वॉज मेड टू द एप्लीकेंट ऑफ ट्वेंटी फोर हंड्रेड शेयर एप्लीकेशन थ्री हंड्रेड की रिसीव हुई है पर इसमें से हमने 2400 को ही को अलॉटमेंट किया तो दिए और 600 को ध्रुव हैज दे दिए और शेयर्स ध्रुव को हमने फोर्टी शेयर तो पूछा है कि हाउ मेनी शेयर मस्ट है तो अप्लाइड शेयर निकालने का सिंपल सा फंडा है अगर अलॉटेड दे रखे हैं तो अलॉटमेंट वाली कैटेगरी या जिस भी कैटेगरी से ध्रुव बिलोंग करते हैं

अलॉटमेंट पे चार रुपए है तो फाइनल कॉल तीन रुपए की हो जाएगी इफ अ शेयर होल्डर होल्डिंग थ्री थाउजेंड शेयर इज डिफॉल्टेड ऑन फर्स्ट कॉल इसने फर्स्ट कॉल पे डिफॉल्ट कर दिया व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल तीन हजार शेयर पे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल एक ही बात है क्योंकि बैलेंस का है तो वो तीन की होती है क्योंकि टोटल शेयर जो है वो दस का है कितने पैसे नहीं आए हैं ये नहीं पूछा है मुझे कहा है कि कितना पैसा आया है अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल रिसीव ऑन फर्स्ट कॉल तो टोटल मेरे शेयर थे उसमें से तीन हजार नहीं आया तो बचे हुए माइनस थ्री थाउजेंड वन लाख नाइन थाउजेंड शेयर पे तीन रुपए तो पर शेयर के हिसाब से फाइव लाख एटी फाइव आया होगा दोस्तों इस में ध्यान रखना जल्दबाजी में आप क्या एरर कर सकते हैं आप जल्दी जल्दी में कॉल्स इन एरियर सिर्फ लिख के आ सकते हैं है ना आप ऐसा लिख दो तीन हजार पे तीन रुपए के हिसाब से आप लिख दो नाइन थाउजेंड का कॉल इन एरियर्स है और क्वेश्चन में ऐसे ऑप्शन आपको दिखेंगे सो डोंट हरी क्वेश्चन में देखना कि मांगा क्या है फोर फीचर का क्वेश्चन है री इशू का क्वेश्चन है उसमें बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती है अमाउंट फोर फीटेड पूछा जा सकता है कैपिटल रिजर्व पूछा जा सकता है वैल्यू एट विच री इशू पूछा जा सकता है डिस्काउंट गिवन एट री इशू पूछा जा सकता है तो प्लीज मेक श्योर वॉट हैज बीन आज फ्रॉम यू इन द क्वेश्चन एंड ओनली आफ्टर दैट अटेम्प्ट द क्वेश्चन ठीक है जल्दी जल्दी में आप कुछ गलत सोच लेंगे और डेफिनेटली वो आपको ट्रैप करने के लिए जो आप गलत कंप्यूट कर सकते हैं वो ऑप्शन में जरूर मिलेगा जैसे यहां पर अगर बच्चा सिर्फ कॉल एर लिखा था देखो नाइन थाउजेंड ऑप्शन में दिया हुआ है सो दिस इज टू कंफ्यूज यू टू ट्रैप यू प्लीज डोंट फॉल इन दर ट्रैप है ना आगे बढ़ते हैं वॉट विल बी करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ये जो इवेंट्स हैं बहुत सारे इश्यू ऑफ शेयर से रिलेटेड दे रखें इनका करेक्ट सीक्वेंस क्या रहेगा तो फोर फीचर ऑफ शेयर ये सबसे पहले नहीं हो सकता डिफॉल्ट ऑन कॉल रीइशू अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व तो सबसे पहले बंदा डिफॉल्ट करता है कॉल में फिर उनके शेयर फोरफीड कर दिए जाते हैं फिर उनके शेयर री इशू किए जाते हैं एंड ओनली आफ्टर री इशू आई कैन ट्रांसफर दी सरप्लस मनी लेफ्ट एंड शेयर फोर फीचर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व तो टू वन थ्री एंड फोर तो सी ऑप्शन हो जाएगा अगर आप कुछ के सीक्वेंस को लेके श्योर sure हैं तो आपको कैलकुलेटेड गेस लेने का भी मौका मिलता है अगर आपको टू टू सबसे पहले होगा और वन उसके बाद होगा पता है आप थ्री और फोर को लेकर ही कंफ्यूज हैं तो थ्री और फोर को लेकर अगर कंफ्यूज भी हो तो इन्होंने कोई ऐसा ऑप्शन दिया ही नहीं जिसमें थ्री और फोर लास्ट टू हो तो आप कैलकुलेटेड गैस भी ले सकते हैं अगर थोड़ा आइडिया है तो तुक्का मारने का स्कोप बढ़ जाता है राइट देखिए चार ऑप्शन मिलते हैं आपको नहीं पता करेक्ट आंसर क्या है ओके बट यू यू नो के कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है तो आप उनको नेगेट कर दें जैसे ही आप इस अप्रोच पे जाएंगे तो अगर आपको चारों ऑप्शंस में से नहीं पता तो 25% परसेंट की प्रोबेबिलिटी होती है फिर भी 25% परसेंट की प्रोबेबिलिटी के सही हो जाएगा और अगर आप एक भी ऑप्शन को नेगेट करते रहते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द आंसर इंक्रीज होती जाती है, है ना तीन में से गेस करोगे तो 66.66 रहेगी और दो पे आ जाओगे तो 50 परसेंट रहेगी विच वुड बी द केस इन मेनी क्वेश्चन जब आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो पहले जो आता है उन्हें अटेम्प्ट कर दीजिए ठीक है फिर देख लीजिए कि किसी भी सेक्शन में अलाउड से ज्यादा तो आपने अटेम्प्ट नहीं कर दिया वैसा मत करके आना बट अगर अलाउड के अंदर अंदर हो पहला सेक्शन है एटीन टोटल उसमें से आपको 15 हैं। 15 से आपको आप आपको अटेम्प्ट तो करने तो और में मान लीजिए इतनी खराब किस्मत नहीं हो सकती गलत हो जाए पांचों के पांचों नो वन मतलब इंडियन क्रिकेट टीम के टॉस हारोगे समझ रहे हो ना तो पांच तुक्के करके आना हो सकता है एक आधा सही हो जाए मार्किंग नहीं है तो अलाउड क्वेश्चन तो हर हालत में अटेम्प्ट करके आने देर इज नो रीजन कि आप अलाउड नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ना आए 55 है हर सेक्शन में मैक्सिमम अलाउड करने हैं टोटल 45 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करके फोर्टी फाइव फॉर अकाउंटेंसी एंड दैट अप्लाइज फॉर ऑल दी अदर सब्जेक्ट्स एज वेल चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं अरुण एंड विजय आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो फाइव इज टू वन ये काफी अच्छा क्वेश्चन मैं इस क्वेश्चन को कहूंगा दोस्तों देखिए आपका जो पूरा पेपर है उसमें बच्चे पूछते हैं सर पेपर टफ आएगा क्या या ऐसा आएगा तो एक जनरल पेपर का कैलिबर का मैं बताता हूँ पेपर ट्वेंटी सिक्सटी और ट्वेंटी के रेशियो में बटता है ये जो ट्वेंटी है ये वेरी ईजी रहेगा ट्वेंटी परसेंट ऑफ वेरी इजी सिंपल अंडरस्टैंडिंग और रिमेम्बरिंग बेस पे आपसे सॉल्व हो जाएंगे फिर बचा हुआ जो सिक्सटी परसेंट है ये रहेगा। और ये जो है ये बचा ट्वेंटी परसेंट इसको मैं अगर ठीक ठीक तैयारी है ना तो डिफिकल्ट नहीं अब एवरेज कहूंगा ठीक है ना ये जो सिक्स क्वेश्चन है ये अबव एवरेज कैटेगरी में जाता है ठीक है अरुण और विजय पार्टनर्स हैं उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइव एस टू वन का लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट का एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट दे रखा है मशीनरी दे रखी है फोर्टी थाउजेंड की नीचे लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ मशीनरी रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट इज ओवर वैल्यूड बाय थर्टी थ्री बाय थ्री परसेंट सबसे पहले थर्टी थ्री वन बाय थ्री परसेंट को समझाता हूँ थर्टी थ्री वन बाय थ्री इज टेक्निकली थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट नॉट थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट इफ यू हैव कैलकुलेटर इज ईजी टू बट यू आर नॉट अलाउड अ कैलकुलेटर सो थर्टी थ्री वन बाय थ्री थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री इज वन थर्ड ठीक है ना जैसे पचास परसेंट बोलूँ या हाफ बोलूँ एक ही बात है वैसे ही थर्टी थ्री वन बाय थ्री बोलूँ थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री बोलूँ या वन थर्ड बोलूँ एक ही बात है अब क्वेश्चन को समझना बैलेंस शीट में जो मशीनरी दे रखी है ना फोर्टी थाउजेंड की उसको थर्टी थ्री वन बाय थ्री से इंक्रीज नहीं करना है उस पर थर्टी थ्री वन बाय थ्री परसेंट लगाकर ऐड नहीं करना है अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं अगर आप ये सोच रहे हैं कि फोर्टी थाउजेंड का थर्टी थ्री वन बाई थ्री परसेंट करके वन थर्ड करके सप्रैक्ट कर दूं तो भी आप गलत हैं माय डियर फ्रेंड यहां पे मशीनरी की जो करेक्ट वैल्यू रही होगी उस वैल्यू का थर्टी थ्री पॉइंट एड करके ओवर वैल्यू कर दिया इस गिवन एसेट को एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं सपोज देर इज अ प्रोडक्ट जो ऑनलाइन अवेलेबल है उसकी वैल्यू है वन यू गॉट इट विद अ कैशबैक ऑफ ट्वेंटी तो आपको दो सौ रुपए का डिस्काउंट मिला टेक्निकली कैशबैक मिला और आपको वो प्रोडक्ट पड़ा एट हंड्रेड में करेक्ट एट हंड्रेड जो वैल्यू है ना वो बैलेंस शीट में लिखी हुई है अब कोई आपको डिस्काउंट एट हंड्रेड का ट्वेंटी तो परसेंट क्या वन सिक्सटी का डिस्काउंट मिला दो सौ रुपए का डिस्काउंट 20%, मिला करेक्ट बात है ना करेड पर ट्वेंटी परसेंट आप नहीं लगा सकते वही फंडा है कि जो मशीनरी की करेक्ट वैल्यू रही होगी उस करेक्ट वैल्यू पे ट्वेंटी थर्टी थ्री पॉइंट वन बाई थ्री परसेंट रिड्यूस कर दिया तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए परसेंटेज अगर कुछ कन्वीनियंट होता तो हंड्रेड अज्यूम वाली अप्रोच भी लगाता बट यहां पर क्योंकि थर्टी थ्री पॉइंट वन बाई थ्री परसेंट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट सो आई एम गोइंग बाय वन थर्ड सो मैं मान लेता हूं कि करेक्ट वैल्यू जो है ना मशीनरी की वो एक्स है अब आपने इसको ओवर वैल्यू कर दिया ऐसे ही क्वेश्चन में बोला है। क्वेश्चन क्या कह रहा है by 33, by तो रीवैल्यूड फिगर पे, तो पे दिखाना पड़ेगा रीवैल्यूड फिगर कितना है यानी करेक्ट वैल्यू कितनी है वो एक्स मान ली ओवर वैल्यू किया हुआ था हमने इस करेक्ट वैल्यू का वन थर्ड यानी एक्स इंटू वन बाई थ्री विच इज एक्स बाय थ्री करेक्ट है क्या और ओवर वैल्यू करके आपने उसको चालीस हजार लिख दिया यानी एक्स प्लस एक्स बाय थ्री इज इक्वल टू फोर्टी थाउजेंड करेक्ट वैल्यू एक्स है एक्स में थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट थर्टी थ्री बाई थ्री परसेंट एड कर दिया और फिर आपने उसको चालीस हजार शो कर दिया वो मुझे क्वेश्चन में ही गिवन है राइट right? तो थर्टी थ्री वन बाय थ्री परसेंट इज वन बाय थ्री एक्स प्लस एक्स बाय थ्री इज इक्वल टू फोर्टी थाउजेंड तो यहां पे मैं थ्री का एलसीएम ले लूंगा थ्री एक्स प्लस एक्स उजेंड अब यहां पर एक्स के लिए सोल्व कर लेते हैं तो एक्स वुड बी इक्वल टू फोर्टी थाउजेंड इन टू थ्री डिवाइडेड बाई फोर दर्टी थाउजेंड थर्टी थाउजेंड का वन थर्ड होता है टेन थर्टी में टेन जोड़ के फोर्टी पे दिखा दिया तो नई बैलेंस शीट में आपको ये मशीनरी किस वैल्यू पे दिखानी है ये मशीनरी आपको थर्टी थाउजेंड पर दिखानी है अगर वो पूछेंगे रीवैल्यूएशन में कितना डेबिट करेंगे तो वो टेन थाउजेंड होता है पर वो हमसे मांगा नहीं है आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों राइट right? तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था इस तरह के क्वेश्चंस को आप ध्यान में रखिएगा इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे तो अब आपका गलत नहीं होगा क्वेश्चन नंबर सेवन करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग सैलरी टू अ पार्टनर व्हेन द फर्म मेंटेन्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेंटेन होते हैं तो एक ही कैपिटल अकाउंट चलेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो जिसमें भी करंट अकाउंट आ रहा है वो तो आउटराइटली रिजेक्ट हो जाएगा अब पार्टनर को सैलरी दिए तो पार्टनर को सैलरी दिए तो उसकी टेक्निकली जो एंट्री डलती है वो दो एंट्रीज में अगर आप डालते हैं तो पहले डलेगी पार्टनर सैलरी टू पार्टनर्स पहले एंट्री डलेगी पार्टनर सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और इयर एंड पे एंट्री डल जाएगी पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स सैलरी ठीक है ना अगर आप यहां पर देखें अगर मैं इसकी एक एक ही एंट्री में इसको एक साथ करना चाहूं तो पार्टनर सैलरी यहां डेबिट है यहां क्रेडिट है क्लोज हो गया तो नेट एंट्री बन रही है पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल ठीक है ना तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स करंट अकाउंट नहीं हो सकता पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा ध्यान रखना है वो कहीं करंट और कैपिटल में आपको उलझा ना दे अगर कैपिटल फिक्सड है तो एंट्री में करंट अकाउंट आएगा कैपिटल इन्होंने कहा है फ्लक्चुएटिंग है पी एन एल अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वुड बी दी करेक्ट एंट्री तो सेवेंथ तो का डी हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं एट क्वेश्चन एट्थ क्वेश्चन क्या बोलता है एट क्वेश्चन कहता है एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड अनिटी एक लाइबिलिटी थी जो रिकॉर्ड नहीं की हुई थी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो अब रिकॉर्ड करना पड़ेगा रिकॉर्ड करना पड़ेगा तो अब इसके पैसे देने पड़ेंगे एक लाइबिलिटी सर आ गई है तो ये नुकसान हो जाएगा तो दिस विल लीड टू लॉस टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ओनली नए पार्टनर के लिए ना तो ये लॉस है ना ये गेन है नया पार्टनर रिवैल्यूशन uh, से रिलेटेड जितने भी हैं एलिमेंट्स वो ओल्ड पार्टनर्स को अपने आपस में शेयर करने ओल्ड रेशियो में ठीक है ना तो नए पार्टनर से का इससे कोई लेना देना नहीं है नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं ई एफ जी पार्टनर्स थे उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्री टू थ्री टू टू अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप अग्रीमेंट जी इज टू गेट अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एटी थाउजेंड एज ए शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर एनी डेफिशियन दिस अकाउंट इज टू बी पर्सनली बॉन्ड बाई ई अगर कोई भी डेफिशियंसी रहती है तो किसको बॉन्ड करेगा कौन बॉन्ड करेगा ई e बॉन्ड करेगा तो ई e ने पर्सनल गारंटी दी है और गारंटी मिली किसको है जी को मिली है और किस बात की मिली एटी थाउजेंड का उनका प्रॉफिट रहेगा द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर हंड्रेड थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटीड टू तीन लाख बारह हजार हमको डेफिशिएंसी निकालनी अगेन इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान रखना कि मांगा क्या है ई e की डेफिशिएंसी मांगी है यह भी हो सकता है यह भी मांगा जा सकता है कि ई e का प्रॉफिट का शेयर कितना रहेगा यह भी मांगा जा सकता है कि जी का प्रॉफिट कितना होगा अगर जी को गारंटी से ज्यादा मिल रहा है तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट उनको ले जाने दिया जाएगा क्योंकि उनको गारंटी मिनिमम प्रॉफिट की है ठीक है ना और जी का प्रॉफिट का शेयर निकालते हैं सबसे पहले तो जी शेयर क्योंकि ये प्रिवलेज पार्टनर है इनको गारंटी है तो जी का प्रॉफिट में शेयर होता है प्रॉफिट है इस साल का तीन लाख बारह हजार तीन लाख बारह हजार इंटू थ्री टू थ्री टू 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 बाय तीन प्लस तीन प्लस दो आठ तो तीन लाख बारह हजार तीन लाख बारह हजार डिवाइडेड बाय आठ इंटू दो तो, तो यह आता है सेवेंटी एट थाउजेंड इनको गारंटी जो है वो दे रखी हमने एट्टी थाउजेंड की यानी दो हजार रुपए की डेफिशिएंसी आ गई तो पूछा है कि ई की डेफिशिएंसी क्या है तो ई की डेफिशियंसि टू थाउजेंड और अगर ऐसा मांगा होता कि ई का प्रॉफिट का शेयर कितना रहेगा तो ई का प्रॉफिट का शेयर निकलता पहले तीन लाख बारह हजार डिवाइडेड बाय एट इंटू थ्री ये इनका शेयर होता नॉर्मली दैट इज वन लाख सेवनटीन थाउजेंड वन लाख सेवनटीन में से दो हजार की डेफिशिएंसी माइनस कर देता तो एक लाख पंद्रह हजार उनका शेयर होता आफ्टर गारंटी करेक्ट ना तो देख लेना क्वेश्चन में मांगा क्या है टेंथ क्वेश्चन करते हैं एट द द टाइम ऑफ ऑफ एडमिशन अ पार्टनर विल बी इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एडमिशन के टाइम पे क्या इंपैक्ट रहेगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व चालीस हजार रुपए का दे रखा है और क्लेम है वर्कमैन कंपनसेशन पे फोर्टी फाइव थाउजेंड का ठीक है चालीस हजार का तो रिजर्व दे रखा है फोर्टी फाइव का क्लेम है देख लेते हैं क्या होगा तो अगर देखो चालीस का रिजर्व है और पांच का क्लेम है तो पूरा का पूरा रिजर्व क्लेम प्रोवाइड करने में चला जाएगा और पांच हजार रुपए का जो ओवर क्लेम है है ना रिजर्व से ज्यादा वो रीवैल्युएशन से डेबिट करके लेना पड़ेगा तो यहां पर जर्नल एंट्री डलेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डी आर रीवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम तो यहां पे पांच हजार रुपए मुझे रीवैल्युएशन अकाउंट में डेबिट करने पड़ेंगे जो एंट्री डलेगी वो डलेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रीवैल्यूएशन टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम रिजर्व में मैं लिखूंगा फोर्टी थाउजेंड रीवैल्यूएशन से मैं लूंगा फाइव थाउजेंड और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में मैं डाल दूंगा फोर्टी फाइव थाउजेंड राइट चलिए आगे बढ़ते हैं इलेवेंथ क्वेश्चन में इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड अ पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ एडिशनल कैपिटल एडवांस्ड बाय हिम टू द फर्म एट द रेट ऑफ कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता अगर डीड एबसेंट है या साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन लोन मिल जाएगा वो भी वही लोन जो पार्टनर ने फर्म को दिया है इफ इट इज अदर वे अराउंड फर्म ने कोई पार्टनर को लोन दे रखा है तो उस पर इंटरेस्ट से रिलेटेड पार्टनरशिप एक्ट में कुछ भी नहीं बुला हुआ है राइट right. तो अगर पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दे रखा है तो उस पर छह परसेंट मिलता है पर यहां बात करी हुई है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडिशनल कैपिटल पे कोई नहीं मिलेगा नॉट एंटाइटल टू एनी इंटरेस्ट ऑन देयर एडिशनल कैपिटल ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहां पे क्वेश्चन ट्वेल्थ की तरफ चलते हैं रीवैल्यूशन ऑफ एसेट्स एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी बिकॉज देयर प्रेजेंट वैल्यू मे बी डिफरेंट फ्रॉम देयर नाउ आई आई डू नॉट Totally, I'm convinced with this question. I would say this question is isn't drafted in a very proper manner. inhone baat करी है present value. ab is present value ko a student can interpret that as present market value, hai na ya present realizable value. Present value को a student ये भी interpret कर सकता है. But यहाँ पे इनके कहने का मतलब है by present value इनका intention है book value. ठीक है ना इनका जो क्वेश्चन का इंटेंट है वो है बुक वैल्यू रीवैल्यूशन ऑफ एसेट्स एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी बिकॉज देयर बुक वैल्यू मे बी डिफरेंट फ्रॉम देयर मार्केट वैल्यू ठीक है ना तो क्वेश्चन ट्वेल्व का ए हो जाएगा अगर इस प्रेजेंट वैल्यू को बच्चा मार्केट वैल्यू इंटरप्रेट कर लेता है तो फिर वो बुक वैल्यू ऑप्शन डी सेलेक्ट कराएगा तो वहां वो गलत हो जाएगा सो नॉट अ वेरी वेल ड्राफ्टेड क्वेश्चन बट एनीवेज क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हुआ थर्टीन की तरफ आते हैं एवरेज कैपिटल इंप्लॉइड इन इज एट लैक एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट इज वन लैक एटी गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करना है of average profit के लिए पहले मुझे सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा मैं दोनों समझा समझा देता देता सबसे पहले super profit के वाले वर्जन से देता हूं, तो for that, first I need super profit. सो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में मुझे दे रखा है दैट्स अब मुझे चाहिए नॉर्मल 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 प्रॉफिट प्रॉफिट के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड ,00 की है है रेट ऑफ रिटर्न तो नॉर्मल प्रॉफिट जो हो जाएगा वो एटी थाउजेंड हो जाएगा आठ लाख ,00 की मेरी कैपिटल उस पर दस परसेंट की मार्केट में रेट चलती है तो उसके हिसाब से आठ लाख ,00 पे दस परसेंट मुझे भी कमाना चाहिए था अस्सी हजार कमाना चाहिए था एक्चुअली कितना कमा लिया आपने तो वन एट्टी कमा लिया अच्छा 180 एटी आपने कमा लिया बट कायदे से आपको सिर्फ एटी ही कमाना चाहिए था तो एक लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाया है, नॉर्मल से ऊपर यानी ये सुपर प्रॉफिट हो गया आपका सुपर प्रॉफिट है वन लाख रुपीस का राइट अब आपका सुपर प्रॉफिट है वन लाख का और आपको गुडविल निकालनी है सो गुडविल वुड बी इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर इनटू 100, हंड्रेड क्योंकि हमें कैपिटलाइजेशन का है तो वन लाख डिडेड बाई टेन परसेंट डिवाइडेड बाई टेन परसेंट नहीं लिखना चाहिए क्योंकि मैं ऊपर इंटू हंड्रेड कर रहा हूँ इंटू हंड्रेड तो सिंपली ये टेन लाख रुपीज आ जाएगा ये मेरी गुडविल हो गई कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट वाली अप्रोच से देखो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट बोलूँ या कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट बोलूँ कैपिटलाइजेशन मैथर्ड के ये दो अप्रोचेज है आंसर तो सेम आना है अब अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से इसको सॉल्व करता तो कैसे करता वहां पर गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉइड फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज नथिंग बट एवरेज प्रॉफिट इंटू हंड्रेड डिवाइडेड बाई एनआरआर जो हम सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन में करते हैं एवरेज प्रॉफिट जो है हमारे एक लाख अस्सी हज़ार के हैं एनआरआर हमारी दस परसेंट है और इन टू हंड्रेड कर देंगे तो ये आ जाएगा अट्ठारह लाख कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज़ अट्ठारह लाख माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड विच इज़ एट लाख तो यहाँ से भी दस लाख रुपये की हमारी क्या आ जाती है गुडविल आ जाती है राइट right, दोस्तों सो so, दोनों में से जो अप्रोच आपको ठीक लगती है आप उस अप्रोच से आंसर निकाल सकते हैं आंसर सेम ही आएगा नंबर 14 करते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कंपनीज एक्ट 2013 थाउजेंड अलाउस फॉर इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट तो वेंडर्स को आप डिस्काउंट पे नहीं दे सकते हैं शेयर्स पब्लिक को बिल्कुल ही नहीं दे सकते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर्स आप अपने प्रमोटर्स को एम्प्लॉइज को उनकी टेक्निकल नोहा और सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो उसके बदले उसके बिहाफ में उनको जो शेयर्स दिए जाते हैं कॉल्ड स्वेट इक्विटी शेयर्स जो उन्होंने पसीना बहाया मेहनत करके आपकी कंपनी को प्रमोट किया तो प्रमोटर्स को स्वेट इक्विटी शेयर डिस्काउंट पर दिए जा सकते हैं सो स्वेट इक्विटी शेयर्स कैन इशूड एट डिस्काउंट इट क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं एज पर सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट यूजेस ऑफ सिक्योरिटी रिजर्व आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा प्रीमियम रिजर्व दे रखें कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को किन किन पर्पजेस के लिए यूज किया जा सकता है ये बता रखा है राइट तो सिक्योरिटी प्रीमियम को राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस के लिए Uh, पूछा है कैनॉट बी यूटिलाइज फॉर तो फर्स्ट ही हो गया कैपिटल लॉसेज को राइट ऑफ करने के लिए यूज में नहीं लिया जा सकता है इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इज अलाउड टू राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटीज इज अलाउड राइटिंग ऑफ प्रिलिमरी एक्सपेंसेज अलाउड है बाय बैक ऑफ इट्स ओन शेयर इसके अलावा जो अलाउड है वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय बैक ऑफ इट्स शेयर ये भी अलाउड है एंड टू प्रोवाइड फॉर प्रोवाइड फॉर प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ

कम है परेसिशन से तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपने पे किया है वो गुडविल का है और अगर छोटा अमाउंट है और नेट एसेट एसेट ज्यादा ज्यादा है है मतलब आपको वर्थ मिल रही बाय पेमेंट ऑफ सम लेस अमाउंट एसेन कम है नेट एसेट ज्यादा है ना तो आपको कम दाम में ज्यादा एसेट्स मिल रहे हैं तो जो डिफरेंस होगा वो कैपिटल रिजर्व हो जाएगा आपने कैपिटल नेचर का गेन विटनेस कर लिया है तो यहाँ पे नेट एसेट माइनस कैपिटल रिजर्व इज परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट प्लस गुडविल इज ऑल्सो परचेज कंसिडरेशन ठीक है तो ये दो फॉर्मूलेज आप लर्न कर लीजिएगा इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपके लिए इजिली अटेम्प्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवनटीन देखते हैं हम कार्कि्कि्कि्कि्किन कोमोदर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसिज इन द रेशियो फाइव टू थ्री फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटीड कॉस्तोब एज अ न्यू पार्टनर एंड द न्यू रेशियो वॉज डिसाइडेड एज थ्री टू 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 वन

सेक्रीफाइजिंग रेशो के लिए मैं जो फॉर्मुला यूज करता हूँ न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो अगर पॉजिटिव आता है तो मैं पार्टनर को गेनिंग कह दूंगा नेगेटिव आएगा तो मैं पार्टनर को सेक्रीफाइजिंग कह दूंगा ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करने के पीछे मेरा सिंपल सा रीजन ये है कि पार्टनर गेनिंग है या सेक्रीफाइजिंग विद दी अमाउंट कैलकुलेटेड दैट इज पॉजिटिव आ रहा है तो उसको गेनिंग कह देंगे नेगेटिव आ रहा है तो सेक्रीफाइसिंग कह देंगे ये थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है दैट्स वाई आई यूज दैट तो फर्स्ट जो पार्टनर है कालकी कालकी का जो न्यू पी एस आर है दैट इज थ्री बाय सिक्स तीन दो पांच एक छे और ओल्ड था उनका फाइव बाय एट ठीक है ना तो एट और सिक्स के बीच में हम रहा है तो चलिए अब कौस्तुब का निकाल ले लेते हैं तो कौस्तु का न्यू प्रॉफिट माइनस ओल्ड था इसका थ्री बाई एट फिर से 24 ही हो जाएगा 64 24, 8, 8, 3 24, 9. तो इनका हो गया वन बाय ट्वेंटी फोर राइट जो प्रीमियम फॉर गुडविल है कौस्तुब की वो निकाल लेते हैं थ्री लाख सिक्सेंड के शेयर के लिए ये आए हैं थ्री लाख फॉर्म की गुडविल है कौस्तुब आया वन सिक्स शेयर के लिए तो थ्री लाख सिक्सटी थाउजेंड इन वन बाई सिक्स सिक्सटी थाउजेंड इनकी प्रीमियम हो जाएगी और ये सिक्सटी थाउजेंड की प्रीमियम थ्री टू वन के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तीन एक चार साठ हजार डिवाइड बाई चार इंटू तीन तो फोर्टी फाइव थाउजेंड आता है ये डी ऑप्शन करेक्ट हो गया दूसरे वाले का कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई भी और ऑप्शन में काल्की का जो प्रीमियम फॉर गुडविल का शेयर है वो फोर्टी फाइव थाउजेंड से फाइव फोर्टी फाइव थाउजेंड ही दे रखा हो कहीं पे भी नहीं है तो एक का कैलकुलेट करना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर करते हैं ये हैतन शेयर ऑफ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर अमाउंटेड टू वन लैख फिफ्टी विल बी सिंपल तरीका जो भी टोटल प्रॉफिट रहा होगा उसमें श्री निकेतन का शेयर लगा देंगे तो श्री निकेतन का शेयर है थ्री तो निकेतन का शेयर इन प्रॉफिट आ रहा होगा जो भी टोटल प्रॉफिट है टोटल प्रॉफिट मेरे को नहीं पता उनका प्रॉफिट का शेयर थ्री बाय टेन है ये तो क्वेश्चन में ही बता रखा है और उनका प्रॉफिट में जो हिस्सा बन रहा है वो मुझे बता रखा है वो है वन लैख फिफ्टी थाउजेंड कैन आई से दैट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू वन लाख फिफ्टी थाउजेंड इंटू टेन डिवाइडेड बाय थ्री अब इन्होंने हमसे टोटल प्रॉफिट नहीं मांगा इन्होंने मांगा है कि सर्वेश का शेयर कितना होगा तो सर्वेश शेयर वुड बी सिंपली टोटल प्रॉफिट इंटू सर्वेश का पी एस आर तो टोटल प्रॉफिट वन लैख फिफ्टी थाउजेंड इंटू टेन बाय थ्री है मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे हेल्प हो जाएगी वन लाख फिफ्टी थाउजेंड इंटू टेन बाय थ्री

तो अब हम पार्ट वन का सेक्शन बी कर लेते हैं सेक्शन बी के अंदर भी टोटल एटीन क्वेश्चन है और एटीन में से हमें कोई फिफ्टीन अटेम्प्ट करने हैं चलिए एंगल एंड सर्कल वर वार्टनर्स इन अ फॉर्म दर बैलेंस शीट शोड फर्नीचर टू लैक स्टॉक वन लैक फोर्टी डेटर्स एट वन लैख सिक्सटी टू थाउजेंड क्रेडिटर्स एट सिक्स थाउजेंड एडमिटेड एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वॉज टू टू थ्री टू फाइव स्टॉक वॉज रीवैल्यूड एट वन लैक

हमसे मांगा है अगेन अ गुड क्वेश्चन आई वुड कॉल इट ये अब एवरेज वाले ट्वेंटी परसेंट में जाता है देखिए प्राइमा फेसी क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लगता है कोई बात नहीं आपको जो समझ में आ रहा है आप वो कर लो है ना आपको ये समझ में आ रहा है कि रीवैल्यूशन अकाउंट का बहुत सारा डेटा दे रखा है और रीवैल्यूड फिगर ही मांगी है तो आप एक बार रीवैल्यूशन अकाउंट बना लो रीवैल्यूएशन अकाउंट कुछ ऐसा दिखता है डेबिट क्रेडिट शॉर्टकट uh, पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो सारे फायदे क्रेडिट हो जाएंगे सारे नुकसान यहाँ पर डेबिट हो जाएंगे पढ़ते जाते हैं क्वेश्चन को तो क्वेश्चन में लिखा था स्टॉक वॉज री वैल्यूड एट वन लैक स्टॉक को स्टॉक वॉज री वैल्यूड एट वन लैख ऊपर देखो तो वन फोर्टी का स्टॉक है और उसको रीवैल्यू क्या है वन लैख पर तो चालीस हजार से स्टॉक कम हो गया यहाँ पे स्टॉक लिख देता हूँ चालीस हज़ार सफाई के कोई मार्क्स मिलते नहीं प्रेजेंटेशन के कोई मार्क्स मिलते नहीं आपकी मर्जी हो जितना घास काट के आप इसको रफ में कर सकते हैं ठीक है क्रेडिटर्स थार नॉट लाइकली टू ब्रेडिटर्स पैसा ही नहीं मांगेंगे तो पंद्रह हजार के क्रेडिटर्स यहाँ क्रेडिट कर देता हूँ फायदा हो गया दो हजार के डेटर्स इर रिकवरेबल हो गए हैं बिल्कुल भी तो बैलेंस शीट के अंदर डेटर्स दे रखे वन सिक्सटी के कोई भी पुराना पीबीडीडी नहीं है तो पूरा जो ये दो हजार का बेडेट है मुझे यहाँ पर ना रीवैल्युएशन में डेबिट करना पड़ेगा दो हजार का बेडडेट करेक्ट है अब मेरे जो ओल्डर्स थे Old debtors जो थे मेरे वन लैख सिक्सटी टू थाउजेंड के थे बट इसमें से अब bad debts हो चुके हैं के तो अब मेरे जो remaining debtors है, जो हैं हैं अब exist करते है, वो तो सिर्फ लॉजिक ही, ही, तो ही, पे, पे ही क्या है तो वन सिक्सटी पे दस परसेंट का प्रोविजन बनाना है सोलह हजार रुपये का पहले से कोई प्रोविजन कभी था ही नहीं तो यहाँ पे टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट हो जाएगा वन लैख सिक्सटी का दस परसेंट दैट्स सिक्सटीन थाउजेंड ठीक बात है रीवैल्यूएशन का लॉस बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है इन्होंने कह रखा है कि एंगल का शेयर ऑफ लॉस तो दो पार्टनर है एंगल और क्लियर एंगल और सर्कल एंगल का आपको रिवैल्यूएशन लॉस में शेयर पता है एंगल का शेयर इन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है थर्टी पर मेरे को ना टोटल लॉस ऑन रिवैल्यूएशन नहीं बता रखा एंगल और सर्कल जो भी लॉस ऑन रिवेल्यूशन होगा उसको अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और स्पेसिफिकली कहूं तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग में शेयर करेंगे में बता ही नहीं रखा. So, ये होंगे. अब अगर ये इक्वल पार्टनर है मतलब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वन इज टू वन उसमें एंगल का प्रॉफिट का शेयर है थर्टी तो हाफ के हिसाब से टोटल लॉस ऑन रिवेल रहा होगा सिक्सटी थाउजेंड सही बात है ना अगर टोटल लॉस ऑन रिवैल्यूशन सिक्सटी है तो अब ये रिवैल्यूशन अकाउंट बैलेंस होना चाहिए इसमें कहीं ना कहीं फर्नीचर आएगा और जहां पे भी शॉर्ट पड़ रहा है है वो वो बैलेंसिंग फिगर फर्नीचर होगा तो 40 56, 58 जो डेबिट में है और क्रेडिट में 75 है मतलब डेबिट में ही फर्नीचर डेफिनेटली आ रहा है वो हमारा बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा चलिए पता करते हैं कि फर्नीचर का कितना बैलेंसिंग फिगर आ रहा है रिवैल्यूएशन से तो क्रेडिट में सेवेंटी फाइव थाउजेंड है इस सेवेंटी फाइव थाउजेंड में से मैं डेबिट में लिखे हुए फिगर्स माइनस कर दूंगा तो सेवेंटी फाइव माइनस फोर्टी टू थाउजेंड एंड देन सिक्सटीन थाउजेंड तो कुछ 17,000 थाउजेंड से फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है ठीक है ना बैलेंस शीट के अंदर हमें पहले से शुरू से जो फर्नीचर की वैल्यू थी वो थी टू लाख रुपीज की 17,000 थाउजेंड का फर्नीचर डेबिट में आ रहा है दो लाख के फर्नीचर के वैल्यू सत्रह हजार से कम करी तो वन एटी थ्री आ जाएगा अब दोस्तों इतना सब करने के बाद अगर आप इसको फर्नीचर में एड कर देंगे दो लाख एड कर देंगे दो लाख में सत्रह हजार एड कर देंगे तो आपका आंसर आ रहा होगा दो सत्रह वो इन्होंने ऑप्शन में दिया है तो ध्यान रखिएगा रीवैल्यूशन के डेबिट में एसेट आता है मतलब रिड्यूस हो रहा है और अगर डेबिट में रिवेल्यूशन के डेबिट में कोई लाइबिलिटी आती है तो मतलब उस लाइबिलिटी में अमाउंट हो रहा है तो वन लाइक क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी करते हैं आशा एंड निशार पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो टूस टू वन कशिश वॉज एडमिटेड फॉर वन फोर्थ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ विच ऑफ विच वन फोर्थ मे से है ना तो नया पार्टनर जो है के उसका शेयर है वन फोर्थ और इस वन फोर्थ के वन फोर्थ में से वन एर्थ ऑफ एट वॉज गिफ्टेड बाय आशा इसका वन एट किसने दिया इसमें वन फोर्थ का वन एट किसने दिया आशा ने दिया और वो भी गिफ्ट किया है ठीक है एंड रिमेनिंग वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय निशा रिमेनिंग निशा ने दिया ठीक है ना रिमेनिंग निशाने दिया है तो देखिए के का शेयर है में से जो है वो आशा ने दे दिया तो निशा ने कितना दिया होगा निशा ने व बाई फोर माइनस दिया होगा टोटल वन बाय फोर का शेयर था इसमें से वन बाय आशा ने दे दिया वन बाय एट वैसे फिफ्टी परसेंट होता है तो निशा ने भी वन बाई एट ही दिया होगा सॉल्व कर लेते हैं एट का फोर टू जो वन टू माइनस वन वन बाई एट

हाफ जो है वो क्रेडिट होगा निशा के कैपिटल अकाउंट में तो निशा को मिल जाएंगे पांच हजार रुपए तो ट्वेंटी का इधर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आई होप ये आपको समझ में आयो देखो ऑफ और फ्रॉम वाले कंफ्यूज करते हैं क्वेश्चन तो आपको लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझनी है ऑफ विच इसमें से वन फोर्थ का वन एट किसने दिया है आशा ने दिया है ठीक तो है ना तो वन फोर्थ इंटू वन बाई बोला ऑफ विच है ना ऐसा uh, बोला होता कि वन बाय आशा तो फिर मैं वन फोर्थ का करता तो मुझे पता चलता कि आशा का सेक्रीफाइस कितना है पर ऐसा नहीं बोला ऑफ विच बोला ऑफ विच बोला मतलब फ्रॉम की तरह इंटरप्रेट करना है। ये डायरेक्टली सेक्रीफाइस दे रखा है मतलब डायरेक्टली सेक्रीफाइस कहने का मतलब है का वन एड उसने दिया करेक्ट है क्या चलिए मूविंग फॉरवर्ड ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन था तो डेटर्सेंटी के हैं और पीबीडी बना हुआ है बीस हजार का एज पर टर्म्स ऑफ एडमिशन एसेट्स रीवैल्यूड एंड इट वॉज फाउंडीन थाउजेंड बिन टर्न बैड पंद्रह हजार के जो डेटर्स है, हैं वो बैड हो गए ठीक है और इनको राइट ऑफ करना है विथ जर्नल एंट्री रिफ्लेक्ट्स दी करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो पहले हम हमारी जर्नल एंट्री डाल देते हैं सबसे पहले डेट्स हुए तो मैं एंट्री कर दूंगा डेट्स टू डेटर्स पंद्रह हजार रुपए के तो पंद्रह हजार के डेट्स मैं बुक कर दूंगा बेसिक एंट्री डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस टू डेटर्स अब इसके बाद मुझे मेरे क्वेश्चन मेरे के अंदर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट ट्वेंटी थाउजेंड का बना हुआ है प्रोविजन क्यों बना था बेडेट्स को प्रोवाइड करने के लिए बना था तो मेरा प्रोविजन बना हुआ है तो मैं इस प्रोविजन को यूज करूंगा इन को राइट ऑफ करने के लिए तो एंट्री कर दूंगा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट टू हजार का ही यूटिलाइज करना पड़ेगा राइट क्योंकि बचा हुआ जो प्रोविजन है आ, वो अभी रिक्वायर्ड नहीं है ट्वेंटी का प्रोविजन बना हुआ है क्या इन्होंने कहा है पहले से कुछ इन्होंने हमें कोई नया प्रोविजन बनाने के लिए तो बोला नहीं तो अभी मेरा प्रोविज़न पाँच हज़ार बच जाता है ऐसा भी नहीं कहा कि प्रोविज़न अब रिक्वायर्ड नहीं है तो पाँच का प्रोविज़न मैं रहने दूंगा और बचा हुआ प्रोविज़न और नया प्रोविज़न बनाने को कहा नहीं अगर बनाने को कहा होता तो मैं सिक्स ट्वेंटी में से पंद्रह माइनस करके छः पाँच पे रेट लगा के बना देता पर वो भी नहीं मांगा है अब इन दोनों एंट्रीज की एक नेट इफ़ेक्ट देख लेते हैं बेड डेट्स यहाँ डेबिट हो रही है यहाँ क्रेडिट हो रही है तो नेट एंट्री टू डेटर्स भी दी हुई हो सकती है या दो एंट्री दे रखी हो सकती है तो देख लेते हैं टू टू डेटर्स पहले ही ऑप्शन में हमने जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया एग्जैक्टली exactly वो दे रखा है तो ट्वेंटी का ए हो जाएगा दैट्स एब्सिल्यूटली करेक्ट है ना और हो सकता था कि आपको थोड़ा सा ट्रिक करने के लिए कंपाउंड एंट्री दे देता पीबीडीडी टू डेटर्स कंबाइन करके दे देता तो वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू की तरफ गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट वन लेबल डेज असरशन एंड अदर लेबल डेज रीजन ठीक है ना असरशन असरशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ इनके बारे में असरशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आर नथिंग बट ट्रू एंड फॉल्स विथ सम तड़का बेसिकली ये ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन ही है बट इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है देखिए सबसे पहले आपको असरशन पढ़ना है और जज करना है कि असरशन एक ट्रू स्टेटमेंट है या नहीं है उसके बाद आपको रीज़न पढ़ना है और ये जज करना है कि रीज़न एक ट्रू स्टेटमेंट है या नहीं है फिर आपको इस बात का जजमेंट लेना है कि ये रीज़न इस असर्शन का करेक्ट रीज़न है या नहीं है कभी कभी ऐसा भी दिया हो सकता है कि असर्शन दिया वो सही बात है रीज़न दिया वो भी ट्रू है बट रीज़न और असर्शन का आपस में कोई लेना देना नहीं है फॉर एग्जाम्पल सनराइज इन द ईस्ट दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट द टेबल दिस टेबल इज मेड अप ऑफ वुड दैट इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट बट इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है तो वहां पे फिर आपको ऑप्शन मिलेगा असर्शन इज ट्रू रीजन इज ऑल्सो ट्रू बट दैड रीजन इज नॉट करेक्ट रीजन फॉर दसर्शन ठीक है ना तो आपको इस तरीके से जज करना है तो दे आर बेसिकली ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन ओनली बट विद अ ट्विस्ट ठीक है तो असर्शन दे रखा है ट्रांसफर टू रिजर्व इज शोन इन पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बिल्कुल सही बात है ट्रांसफर रिजर्व में अगर हम कुछ पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है रीजन क्या है रिजर्व आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट रिजर्व चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होते रिजर्व अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं तो असर्शन ट्रू है बट रीजन एब्सोल्युटली फॉल है तो फॉल्स है तो ए इज़ करेक्ट बट आर इज रॉन्ग ट्वेंटी टू का ए हो जाएगा राइट आगे बढ़ते हैं ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन अनुभव शगुन एंड पुलकेदार पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड इन प्रॉफिट लॉसो टू 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 वन फर्ट एप्रिल ट्वेंटी डेबिट बैलेंस डेबिट बैलेंस दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तीस हजार रुपए का अपियर इन द बैलेंस शीट इन दे डिसाइडेड टू पास एन एडजस्टिंग एंट्री फॉर इट विच ऑफ द अंडर मेन्शन ऑप्शन रिफ्लेक्ट करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ अबव ट्रीटमेंट ठीक है ना तो यहां पर ना ये इसकी एक एडजस्टिंग एंट्री पास करना चाहते हैं इसको राइट ऑफ नहीं करना चाहते ऐसा नहीं अकाउंट uh, का बैलेंस दे वांट टू पास एन एडजस्टिंग एंट्री तो यहां पे हमको सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग एंट्री डालनी पड़ेगी जो नेट इफेक्ट हम कैलकुलेट करते हैं अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो एंट्री डलती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग और अगर वो नेगेटिव आता है तो एंट्री डलती है सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग तो उसके लिए पहले मुझे गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर पता करना पड़ेगा उसके लिए मुझे पता करना पड़ेगा इनका सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो तो उसके लिए मैं फॉर्मल अलगवन न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो अगर पॉजिटिव आता है तो अल डेजिग्नेट दैट पार्टनर इज गेनिंग और नेगेटिव आता है तो वो सेक्रीफाइसिंग हो जाएगा सबसे पहले बात करते हैं ए की ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग है पाँच तीन आठ प्लस दो तो दैट इज दस फाइव बाई टेन माइनस टू बाय फाइव ओल्ड रेशियो एल सी एम टेन का हो जाएगा फाइव माइनस फाइव टू जी टू टू ज़ा फोर वन बाय टेन ये तो गेनिंग पार्टनर है ये अगर गेनिंग पार्टनर है और बैलेंस शीट के अंदर पी एन एल अकाउंट का डेबिट बैलेंस का हुआ है तो डेबिट बैलेंस है, मतलब नेट इफेक्ट नेगेटिव है तो एंट्री डलेगी सैक्रीफाइसिंग टू गेनिंग तो ये क्रेडिट होने चाहिए ठीक है इसके बाद बात करता हूं एस की एस का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्री बाय टेन माइनस ओल्ड रेशियो है अगेन इनका भी टू बाय फाइव ठीक है ना इनका शेयरिंग लोसेस ट्रूज टू 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 वन था और न्यू ऑन दैट डेट डे uh, yes, तो ए तो तो ने जितना गेन किया है उतना एस ने सेक्रीफाइस किया है तो मुझे पी का निकालने की जरूरत नहीं है मतलब पी ना तो गेनिंग है ना सेक्रीफाइसिंग है पहले ये वन बाय फाइव थे और अब टू बाई टेन है टू बाई टेन इज सिंप्लीफाइड फाइव ओनली ठीक है ना तो एंट्री जो है वो ए और एस के बीच में डलेगी और ये भी पक्का है कि पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो गेनिंग पार्टनर क्रेडिट होने वाले तो एंट्री डलेगी टू टू गेनिंग ठीक है ना तो एस ए एंट्री डलेगी एस टू ए एंट्री जहां पे भी डली हुई है उसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा एस टू ए ठीक है ना तो एस टू ए और अमाउंट कितना डलेगा तो तीस हजार तीस हजार का वन टेंथ तीन हजार से एंट्री डलेगी तो एस टू ए तीन हजार वुड बी दी करेक्ट आंसर शगुन कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड एस टू ए तो यहां पर ट्वेंटी uh, थ्री का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट एट परसेंट पर एन बी विड्रू ऑफ इन दिडल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करके दे दिया हमसे पूछा कि मंथली ड्रॉइंग कितनी होगी कि उनकी मंथली ड्रॉइंग एक्स मंथली ड्राॅइंग है तो साल भर में बारह ड्राॅइंग्स करी होगी तो अमाउंट ऑफ ईज ड्राॅइंग इंटू नंबर ऑफ ड्राॅइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई ट्वेल्व इंटू एवरेज पीरियड बाई ट्वेल्व अगर मिडल ऑफ एवरी मंथ क्या है तो एवरेज पीरियड सिक्स आता है कंसेपचुअली सॉल्व करें तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राॅइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राॅइंग डिवाइडेड बाई टू फर्स्ट ड्राॅइंग के बाद साढ़े ग्यारह महीने बाकी है लास्ट ड्राइंग के बाद आधा महीना बाकी है तो साढ़े ग्यारह प्लस हाफ दैट इज ट्वेल्व ट्वेल्व डिवाइड बाई टू दैट सिक्स सभी के मिडिल अगर पूरा साल है तो सभी के मिडिल का एवरेज जो होता है वो सिक्स आता है दिस इज इक्वल टू फोर्टी एट हंड्रेड प्रोवाइडेड टू अस इन द क्वेश्चन ठीक है ना? तो अब आई एम सॉल्विंग फॉर एक्स एक्स का क्या हो जाएगा फोर्टी एट हंड्रेड इंटू रेट के नीचे मुझे हंड्रेड लगाना था मैंने गलती से ट्वेल्व लिख दिया है एट अपॉन हंड्रेड सो फोर्टी एट हंड्रेड इंटू ट्वेल्व इंटू हंड्रेड Divided बाई ट्वेल्व इंटू एट इंटू सिक्स 12 से ट्वेल्व कैंसिल हो जाएगा एट वन ज़ा एट एट सिक्स ज फोटी एट ज़ीरो ज़ीरो सिक्स हो जाएगा यहाँ जीरो आ जाएगा सो so, ड्रॉइंग्स आ रही हैं टेन uh, थाउजेंड रुपीज़ की ऑप्शन ए सही होना चाहिए ट्वेंटी फोर का ए इज़ करेक्ट ठीक है दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अभय एंड आर पार्टनर्स इन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू अभय एंड बोल्डवेन पंद्रह हजार एंड दस हजार ईयर अमाउंटेड टू सिक्स थाउजेंड फ्रॉम अभय एंड फोर थाउजेंड फ्रॉ बोल्डवेन अभय इज ऑल्सो एंटाइटल एट द रेट टेन परसेंट और नेट डिविजिबल प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट जो सब काटने के बाद बचेगा जिसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भेजते हैं या करंट अकाउंट में भेजते हैं उस प्रॉफिट पे दस परसेंट देना है ठीक है कैलकुलेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अब मुझे बताना है पार्टनर्स कैपिटल में कितना प्रॉफिट ट्रांसफर होगा मतलब मुझे डिविजिबल प्रॉफिट बताना है अगेन दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी अपर ट्वेंटी परसेंट में कैटेगराइज करूंगा मैं मुझे जो भी डेटा दे रखा है उस डेटा को यूज करते हुए एक बार पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ड्रॉ करता हूं ठीक है तो पी एन एल अप्रोप्रिएशन में यहां आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट या बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो वन लैक ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का मुझे दे रखा है क्वेश्चन के अंदर ही अब यहां पर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभय का पंद्रह हजार है और बॉल्डवेन का दस हजार है तो पंद्रह प्लस दस पच्चीस हजार का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राॅइंग्स आ जाएगा बता रखा है वो भी रेस्पेक्टिवली इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 6000 और 4000 इंटरेस्ट ऑन ड्राॅइंग 10000 का हो जाएगा अब यहाँ पर आएगा एक और चीज टू एज कमीशन दैट आई डोंट नो और उसके बाद आ जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट दैट आई ऑल्सो डोंट नो ठीक है पर जो कुछ पता है उनको अप्रोप्रिएट करके एक बार एक फिगर पे पहुंचते हैं तो यहाँ पर वन लैख थर्टी फाइव थाउजेंड दे रखा है दोस्तों और इधर ट्वेंटी फाइव है तो मैं कह सकता हूं कि डिविजिबल प्रॉफिट प्लस इज कमीशन इज इक्वल टू वन थर्टी फाइव माइनस ट्वेंटीड एम आई करेक्ट मैंने कुछ भी नहीं किया है एज कमीशन प्लस डिविजिबल प्रॉफिट ये फिगर निकाल दिया ठीक है ना यहां पे आप डेबिट में दो ही चीजें आनी बाकी है, एक तो क्या ए का कमीशन आना बाकी है और दूसरा डिविजिबल प्रॉफिट आना बाकी है है ना तो मैंने क्रेडिट साइड सॉल्व करी और डेबिट में जो पता था वो माइनस कर दिया अब डिविजिबल प्रॉफिट प्लस एस कमीशन इज इक्वल टू वन लैक टेन थाउजेंड ठीक है ये इक्वेशन मेरे पास आ चुकी है मुझे ना तो डिविजिबल प्रॉफिट पता है ना ए का कमीशन पता है क्योंकि ए का कमीशन जो है वो दे रखा है नेट डिविजिबल प्रॉफिट का दस परसेंट सो लेट्स डू वन थिंग डिविजिबल प्रॉफिट को एक्स मान लेते हैं तो अभे का कमीशन हो जाएगा एक्स का टेन परसेंट राइट

है ना? मैं थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर देता हूं यहाँ पे यहां पर हम एक्स का टेन का एलसीएम ले, ले लेंगे तो टेन एक्स प्लस एक्स अपॉन टेन इज इक्वल टू वन लैख टेन थाउजेंड क्लियर है क्या टेन एक्स प्लस एक्स इज इलेवन एक्स इज इक्वल टू वन लैख टेन थाउजेंड इंटू टेन सो एक्स वुड वन इक्वल टेन थाउजेंड इन टू टेन डिवाइडेड बाई इलेवन सिंपली सॉल्व दैट इज वन टेन परसेंट आप निकालो तो दस हजार आता है और वही ए का कमीशन है दस हजार और दस हजार प्लस एक लाख एक लाख दस हजार था नेट डिविजिबल प्रॉफिट यहाँ पे वन लैक हो जाएगा तो ट्वेंटी फिफ्थ का जो है वो ए करेक्ट आंसर है तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा देर आर आई नो हंड्रेड अज्यूम करके भी एक अप्रोच हो सकती थी कि आप Uh, या फिर वन लैख टेन थाउजेंड को आप अज्यूम करते कि ये बिफोर चार्जिंग है तो इस पर आफ्टर चार्जिंग वाला फॉर्मूला लगा देते मतलब वन लैख टेन थाउजेंड इंटू टेन अपॉन हंड्रेड एंड टेन उससे भी आंसर आ जाता तो देर आर वेरियस वे टू सॉल्व इट आई हैव चोजन वन विच वुड बी आई थिंक वो बहुत ही ईजिली कॉम्प्रीह है, हैंडेबल थी तो मैंने ये अप्रोच चुन ली ठीक है आई नो देर आर मल्टीपल वेज और सभी से आंसर देखिए अप्रोच मैटर नहीं करती है आंसर आ जाएगा मल्टीपल चॉइस है तो आप कैसे भी करें अगर आपका आंसर आ रहा है आप ऑप्शन सही कर रहे हैं अब आप तुक्का मार के कर रहे हैं या सॉल्व करके कर रहे हैं डजेंट मैटर ठीक है ना सो दीज आर एक्सेप्टेबल बोथ आर एक्सेप्टेबल अप्रोचेस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स कर लेते हैं असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है अगेन रिवॉल्यूशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर बिल्कुल सही बात है बिल्कुल प्रिपेयर किया जाता है इट इज रिक्वायर टू एडजस्ट द वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिली एट दाइम ऑफ एडमिशन पार्टनर सो दैट ट्रू फैंशियल पोजिशन ऑफ दर्म इज रिफ्लेक्टेड असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी करेक्ट है और रीजन असरशन का करेक्ट रीजन ही है तो ट्वेंटी रीजन ऑफ ए तो ट्वेंटी सिक्स का ए हो जाएगा राइट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन आपालिमिटेड फोर फिटेड फोर थाउजेंड शेयर ऑफ ट्वेंटी कॉल्ड अप

मनी ऑफ सिक्स मतलब six paid है और फोर्टीन अनपेड है चार हजार शेयर है जो भी अमाउंट पेड होता है अदर देन प्रीमियम वो मैं फोरफिट कर लेता हूँ तो कैन आई सेक्वल टू अमाउंट फोरफिटेड विच इज इक्वल टू फोर थाउजेंड इन टू सिक्स पर शेयर दैट इज ट्वेंटी फोर थाउजेंड जो भी अमाउंट पे किया होगा वो मैं फोरफिट कर लूंगा और इन्होंने पे किया छः पर शेयर चार हज़ार शेयर पे तो चौबीस हज़ार रुपये पे किए होंगे वो मैंने फोरफीट कर लिया इसमें से दो हज़ार शेयर रीइशू हुए दो हज़ार शेयर रीइशू हुए ठीक है तो अब मैं पता कर रहा हूं कि कितना अमाउंट अवेलेबल है कैपिटल रिजर्व में भेजने के लिए ट्वेंटी फोर थाउजेंड टोटल अमाउंट फोरफीट हुआ था पर यह मैंने चार हजार शेयर पे फोरफीट किया था चार हजार शेयर रीइशू नहीं हुए सिर्फ दो हज़ार ही हुए तो अमाउंट फोरफिटेड Upon into share जितने उतना ही अवेलेबल होगा। अगर आप और अच्छे से सोच सकते हैं तो आप डायरेक्टली हर शेयर पे छह रुपए फोरफीट हुआ तो जो रीशू हुए रीइू हुए दो हजार शेयर तो दो हजार शेयर पे छह रुपए के हिसाब से बारह हजार रुपए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए अवेलेबल है कैपिटल रिजर्व में एक्चुअली कितना ट्रांसफर इसका मतलब यहां पर चार हजार का हमने डिस्काउंट दिया होगा डेफिनेटली री इशू पे चार हजार का डिस्काउंट दिया होगा राइट right? ये चार हजार का हमने डिस्काउंट दिया है और शेयर कितने रीशू हैं शेयर री हुए हैं 2000 शेयर रीइू हुए हैं ठीक है ना तो 2000 शेयर अगर रीशू होते 20 की फेस वैल्यू के हिसाब से तो चालीस हजार रुपए आना चाहिए था करेक्ट है क्या बट उसकी जगह और सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको इतनी भी बात क्यों करें दो शेयर री होते तो बीस पर शेयर पर रीइू होते करेक्ट है ना और आठ हजार रुपए कैपिटल रिजर्व में भेज दिया हमने चार हजार रुपए का मैंने डिस्काउंट दिया तो पर शेयर कितने रुपए का डिस्काउंट दिया है पर शेयर चार हजार डिवाइडेड बाय दो हजार दो रुपए पर शेयर मैंने डिस्काउंट दिया तो बीस का शेयर था दो रुपए पर शेयर का डिस्काउंट यानी अट्ठारह पे री इशू होगा हो और या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि डिस्काउंट चार हजार का तो आप रीशू की एंट्री डाल दो बैंक अकाउंट डीआर शेयर फोर फ्यूचर अकाउंट डीआर टू तो इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल में दो हजार शेयर रीशू है बीस रुपए के हिसाब से चालीस हजार रुपए आना चाहिए डिस्काउंट में आ रहा है आठ हजार रुपए करेक्ट है ना तो बैंक में कितना चला जाएगा थर्टी टू थाउजेंड रुपीज थर्टी टू थाउजेंड रुपीज आए ऑन टू थाउजेंड शेयर तो अट्ठारह रुपए पर शेयर पे ये री इशू हुआ होगा थर्टी टू थाउजेंड डिवाइडेड बाई टू विच एवर फी विच एवर सीम्स कन्वीनियंट टू यू जो भी आपको समझ में आए ठीक है क्या सो दैट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन तो अगर आप तीनों एंट्रीज डालेंगे तो उसमें आपको थोड़ा टाइम लग सकता है अगर आप चाहें तो डायरेक्टली इस अंडरस्टैंडिंग से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इट विल सेव यू सम टाइम अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा था तो थोड़ा टाइम लगा मुझे बाकी आप एग्जाम में डायरेक्टली 2000 हजार इंटू से करके अमाउंट फोरफिटेड निकाल सकते हैं कैपिटल रिजर्व माइनस करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा डिस्काउंट का नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करिए फेस वैल्यू से माइनस करिए आपको रीशो की प्राइस मिल जाएगी एक बात जरूर से ध्यान रखना इन क्वेश्चन में कि मांगा क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मांगा क्या है ये पता करिएगा पहले ठीक है विच ऑफ़ द फोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू इनमें से कौन सी ट्रू है उसके बाद ऑप्शन स्टार्ट होते हैं तो सबसे पहले मैं जो जो स्टेटमेंट दिए उनको देख लेता हूँ सबसे पहला स्टेटमेंट है ऑथराइज कैपिटल इज लेस देन इशूड कैपिटल ये गलत बात है ऑथराइज कैपिटल हमेशा सबसे बड़ा फिगर कैपिटल में होगा वो ऑथोराइज कैपिटल होगा ऑथराइज कैपिटल कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू इशूड कैपिटल ये बराबर बात है ऑथराइज कैपिटल या तो इशूड कैपिटल के बराबर होगी और जब सारी ऑथोराइज इशू हो जाएगी तब ये बराबर हो जाएंगी सब्सक्राइब कैपिटल इज लेस देन या इक्वल टू इशूड कैपिटल तो सब्सक्राइब कैपिटल जो लोगों ने सब्सक्राइब करी पूरी इशू सब्सक्राइब कर लेते हैं तो सब्सक्राइब और इशूड बराबर हो जाएगी नहीं तो सब्सक्राइब कैपिटल इशूड से कम रहेगी अगर कुछ एरियर चल रहा है या पूरा कॉल्डअप नहीं किया है तो सब्सक्राइब कैपिटल कैपिटल इज ग्रेटर देन इशूड ये बिल्कुल गलत बात है थ्री और फोर दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता है क्योंकि दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट एक दूसरे का ऑपोजिट है तो सेकंड और थर्ड सही है तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा ट्वेंटी एट का सी इज एप्सल्यूटली करेक्ट चलिए हमारी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन मिकी टॉम एंड जेरी

ये रेशो बताइए जिसमें प्रॉफिट्स अप्रोप्रिएट होंगे ये बताइए सारे प्रॉफिट्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं मांगा देखिए क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है ये जो दो लाख दस हजार का प्रॉफिट है ये मिक्की टॉम और जेरी को मिलेगा किसी भी नाम से मिले सैलरी के नाम से मिले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से मिले ये पूरा प्रॉफिट किस रेशो में बट रहा है ये बताइए तो मुझे टेक्निकली मिक्की टॉम और जेरी के बीच में ये पूरे दो लाख दस हजार रुपए बांटने हैं और वो किस रेशियो में बट रहे हैं ये बताना है तो चलिए मिकी टॉमर के बीच में अलग अलग नाम से ये चीजें बांटने लग जाते हैं तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया इसके बाद हम देख लेते हैं इसके बाद इनको क्या मिलेगा सैलरी देनी है तो सैलरी दे देते हैं सैलरी सिक्सटी थाउजेंड ई देनी है तो मिक्की को सिक्सटी थाउजेंड मिल जाएगी और आगे लिखा है सैलरी मिकी और टॉम को ही देनी है तो टॉम को सिक्सटी की मिल जाएगी जेरी में मैं डैश डाल देता हूँ इसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट होगा डिविजिबल प्रॉफिट मुझे निकालना पड़ेगा तो उसके लिए मैं यहाँ टोटल देख लेता हूँ पहले तो आई ओ सी एट्टी प्लस सिक्सटी वन फोर्टी वन फोर्टी प्लस फोर्टी वन एट्टी का आई ओ सी दिया है मैंने और सिक्सटी प्लस सिक्सटी वन ट्वेंटी का मैंने क्या दे दिया है सैलरी दे दिया है करेक्ट है वन एटी प्लस वन ट्वेंटी ये दो लाख रुपए हो जाता है नहीं दो लाख नहीं तीन लाख रुपए हो जाता है ये तो तो टोटल हो जाती है तीन लाख रुपए दोस्तों मेरे पास लाख है ही नहीं देने को मेरे पास नेट प्रॉफिट कितना है वन ट्वेंटी टू लैख टेन का ही है यानी ये सिचुएशन हो गई इसको बोलते हैं इन सफिशियंसी ऑफ प्रॉफिट्स आई डोंट हैव हैफिशियंट प्रॉफिट्स मेरे पास लॉसेज नहीं है प्रॉफिट है बट इतना नहीं कि मैं सारे अप्रोप्रिएशन दे सकूँ तो ऐसी सिचुएशन में डिविजिबल प्रॉफिट का तो सपना भूल जाओ भाई साहब आपको सैलरी आपको ना सैलरी और आईओ भी पूरा नहीं मिल पाएगा क्योंकि पैसे ही नहीं पूरा देना हो तो तीन लाख का प्रॉफिट चाहिए था तीन लाख का प्रॉफिट है ही नहीं सिर्फ दो लाख दस का है ऐसी सिचुएशन में जब इनसफिशेंसी ऑफ प्रॉफिट होती है तो अवेलेबल प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन के रेशो में बढ़ जाते हैं तो मिकी का अप्रोप्रिएशन अप्रोप्रिएशन के नाम से मिक्की का कितना बनता है वन लैख फोर्टी एटी प्लस सिक्सटी टॉन्ग का कितना बनता है वन लैख ट्वेंटी और जेरी का कितना बनता है फोर्टी थाउजेंड अब इस रेशो में बांट देंगे सिंपल सी बात है इस रेशो में क्या बांट देंगे टू लैख टेन थाउजेंड को बांट देंगे पूरा करेक्ट है तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए तो जीरोस कैंसिल कर देता हूँ तीन जीरो तीन जीरो तीन जीरो कैंसिल हो जाते हैं ये एक जीरो भी कैंसिल हो जाएगा टू सेवन जॉ फोर्टीन टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व एंड टू टू जा फोर सेवन इज टू सिक्स इज टू टू तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ट्वेंटी नाइन का सी होना चाहिए

मोहितिन अलॉटेड सिक्स हंड्रेड शेयर बाई अ गोविंदा लिमिटेड ऑन प्रोराटा बेसिस विच इनको 600 शेयर अलॉट हुए करेक्ट है ना? तो इन्होंने डेफिनेटली 600 शेयर के लिए अप्लाई नहीं किया होगा ज्यादा के लिए अप्लाई किया होगा इनके अप्लाइड शेयर निकाल लेते हैं अप्लाइड शेयर कैसे निकलेंगे 600 डिवाइडेड बाय अलॉटेड का पोर्शन तो दो शेयर मिले तीन पे तो अलॉटेड दे रखें अलॉटेड से डिवाइड कर दो और अप्लाइड से मल्टीप्लाई कर दो तो इनके अप्लाइड शेयर आ जाते हैं नाइन हंड्रेड इन्होंने नाइन हंड्रेड शेयर के लिए अप्लाई किया होगा अलॉट कितने हुए छो तो इनके एक्सेज शेयर रहे होंगे तीन सौ अलॉट हुए नौ के लिए अप्लाई किया मतलब तीन शेयर एक्स्ट्रा है ठीक है ही पेड एप्लीकेशन मनी पर शेयर एंड कुड नॉट पे अलॉटमेंट मनी ऑफ फाइव पर शेयर पांच का अलॉटमेंट ये नहीं दे पाए बट हमको पता है कि ओवर सब्सक्रिप्शन था इनके अप्लाइड शेयर थे नाइन इनको अलॉट हुए सिक्स हंड्रेड इनके एक्स्ट्रा शेयर थे थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड शेयर्स पे जो भी एप्लीकेशन मनी पे करी होगी एक्स्ट्रा वो अलॉटमेंट पे ट्रांसफर हो गई होगी तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी होती है एक्सेस एप्लीकेशन मनी होती है थ्री हंड्रेड शेयर्स पे एप्लीकेशन का पैसा वो है तीन रुपए मतलब इन्होंने नौ सौ रुपए एप्लीकेशन पे ज़्यादा पे किए होंगे वो मैंने अलॉटमेंट पे भेज दिए अलॉटमेंट पे इनको टोटल देना कितना है अलॉटमेंट पे इनको देना है इनके अलॉटेड शेयर सिक्स हंड्रेड सिक्स हंड्रेड पे पर शेयर के हिसाब से अलॉटमेंट बनी है पांच रुपए की तो तीन हजार रुपए होता है तीन हजार में से नौ सौ तो पहले से ही पेड है यानी अलॉटमेंट पे ड्यू ही कितना है ट्वेंटी वन हंड्रेड ड्यू है सही बात है क्या वो अलॉटमेंट इन्होंने नहीं पे किया तो अलॉटमेंट कितना क्रेडिट हो जाएगा फोर फ्यूचर के टाइम पे ट्वेंटी वन हंड्रेड से क्योंकि अलॉटमेंट के अगेंस्ट क्या आता है जो अमाउंट अनपेड है फोर फ्यूचर में क्या आएगा जो अमाउंट पेड है ठीक है ना और इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल कॉल तो first and final call तो अभी तक मंगा ही नहीं शेयर कितने का है शेयर है अभी तक मंगाया क्या है अभी तक मंगाया है? तीन रुपए एप्लीकेशन पे और पांच रुपए अलॉटमेंट पे मतलब आठ रुपए मंगाए थे है ना तो आठ रुपए पर शेयर के हिसाब से इनके 600 शेयर पर 4800 की कैपिटल बनाई होगी इनके नाम की जो अभी डेबिट करके क्लोज कर देता हूं 4800 में से 2100 इन्होंने नहीं दिया तो क्या दिया 2700 दिया वो शेयर फोर फ्यूचर में आ जाएगा तो 4800 2700 हंड्रेड एंड ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट हो जाएगा तो थर्टी का सी होता है आई होप ये आपको समझ में आया होगा दोस्तों चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्टी वन कर लेते हैं थर्टी वन असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है असर्शन क्या रखा है इन केस ऑफ शेयर इशूड ऑन प्रोराटा बेसिस मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया एसेस मनी रिसीव एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन कैन बी यूटिलाइज ओनली बिल्कुल गलत बात है आपने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपनी टेक्स्ट बुक से किए होंगे जहाँ पे एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल तक भी भेजा जाता है फाइनल कॉल जितना कंपनी की इच्छा है उतना आगे भेज सकती है सो दिस इज फॉल्स रीजन पढ़ लेते हैं कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एट द रेट ट्वेल्व परसेंट पर एनम फॉर द अमाउंट एडजस्टेड टूवर्ड्स कॉल इफ एनी इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबव टू स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट तो अगर कॉल्स इन एडवांस होता है एप्लीकेशन पे भी कुछ एक्स्ट्रा दिया जाता है और उसको कॉल्स की तरफ एडजस्ट करते हैं तो उस पर कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस ट्वेल्व परसेंट पर एनम से देना पड़ता है सो दिस इज ट्रू करेक्ट है ना कॉल्स इन एडवांस पे ट्वेल्व परसेंट का इंटरेस्ट देना पड़ेगा और एरियर पे अगर आप चार्ज करेंगे तो दस परसेंट है इनके अकाउंटिंग जो है इंटरेस्ट की वो कोर्स में नहीं है पर रेट है तो ये बात आप ध्यान रखना ठीक है ना कॉल्स इन एरियर्स पर कितना है एरियर्स पे आप मांगोगे तो आपको मिलेगा कम दस परसेंट बट एडवांस पे जब आप इंटरेस्ट दोगे तो वो है ट्वेल्व परसेंट तो रीजन ट्रू है पर असरशन फॉल्स है तो ए इज फॉल्स आर इज ट्रू तो थर्टी वन का जो है डी हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं फोर रेस्पेक्टिवली आफ्टर द क्लोज ऑफ अकाउंट फॉर ईयर इट वॉज ऑब्जर्व दट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच वॉज अग्री टू बी प्रोवाइडेड एट फाइव परसेंट वॉज एरि प्रोवाइडेड एट टेन परसेंट पांच की जगह दस परसेंट पे दे दिया मतलब पांच परसेंट से ज्यादा दे दिया वापस मंगवा लेंगे बाय व्हाट अमाउंट विल अजय अकाउंट बी अफेक्टेड इफ दी पार्टनर्स डिसाइडेड टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है अजय और विनोद पार्टनर है एक कॉलम में फॉर्म का भी बना दूंगा अब इसको सॉल्व करने की आपने एक अप्रोच हो सकती है प्लस माइनस वाली एक अप्रोच हो सकती है डेबिट क्रेडिट के कॉलम बनाने वाली क्योंकि यहां पे वन मार्क का क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन के कोई मार्क्स है नहीं तो आई वुड गो बाय प्लस माइनस वाली अप्रोच क्योंकि वो शॉर्ट है क्रेडिट को मैं प्लस मान लेता हूं और डेबिट को मैं माइनस की तरह डिनोट करूंगा राइट अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पांच परसेंट से प्रोवाइड करना था पांच परसेंट से बट आपने गलती से दस परसेंट से दे दिया मतलब पांच परसेंट से ज्यादा दे दिया तो अभी वापस मंगवाना है तीन लाख का पांच परसेंट पंद्रह हजार रुपए वापस मंगवाना है तो पार्टनर डेबिट हो जाएंगे ठीक है तो पंद्रह हजार माइनस कर देता हूं चार लाख का पांच परसेंट दैट इज ट्वेंटी थाउजेंड तो ये यहाँ माइनस कर देता हूँ और फर्म इनसे मंगवा रही है तो फर्म क्रेडिट हो जाएगी फर्म के पास ये पैसा वापस आ जाएगा 35000 फर्म के पास वापस, वापस आ गया फर्म क्रेडिट हो गई फर्म के पास ये वापस आया प्रॉफिट तो ये वापस ए और वी में ही बटेगा और किस रेशियो में बटेगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में व्हिच इज 3:2 तो 35000 डिवाइडेड बाय 5 3 दैट्स 21000 राइट और 21000 माइनस uh, 35000 ट्वेंटी वन थाउजेंड माइनस थर्टी फाइव थाउजेंड तो सेवन थाउजेंड फोर्टीन थाउजेंड वी का हो जाएगा ये क्रेडिट हो जाएंगे और फॉर्म थर्टी फाइव थाउजेंड से माइनस हो जाएगी फॉर्म तो निल हो गई फॉर्म तो निल होनी है अब इनका बैलेंसिंग फिगर देख लेते हैं तो ए ट्वेंटी वन से क्रेडिट है ट्वेंटी वन प्लस का है ट्वेंटी वन थाउजेंड माइनस फिफ्टीन थाउजेंड तो यहाँ पे सिक्स थाउजेंड आ गया सिक्स थाउजेंड पॉजिटिव आ रहा है तो ए क्रेडिट होने वाला है क्या मांगा है Uh, ए पे क्या इंपैक्ट जाएगा पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो फाइनल एंट्री करंट अकाउंट से डलेगी अजय का करंट अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 6000 से ऑप्शन बी करेक्ट है और दूसरे वाले का डेबिट होना है वो खैर क्लियर ही था मांगा जो है वो मैंने जवाब दे दिया थर्टी सेकेंड क्वेश्चन डन क्वेश्चन नंबर थर्टी पे आते हैं विष्णु लिमिटेड फोर फिटेड ट्वेंटी शेयर ऑफ टेन ईच एट कॉल्ड अप आठ ही मंगाया है ऑन विच जॉन हैड पेड एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी ऑफ फाइव पर शेयर पांच पर शेयर इसने पे किया तो जो पे किया है वो मैं फोरफिट कर दूंगा ट्वेंटी शेयर पे पांच रुपए पे किया है जो पे किया है अमाउंट पेड इज इक्वल टू अमाउंट फोर करेक्ट है आठ मंगाया था आठ में से इन्होंने क्या दिया ऑन विच जॉन हैड पेड एप्लीकेशन लॉट पड़ी पांच रुपए में खा गया तो यहां पर सौ रुपए अमाउंट फोरफिटेड है ठीक है ना दिस इज अमाउंट फोरफिटेड पंद्रह शेयर रीइशू है ठीक है ना तो अमाउंट अवेलेबल फॉर कैपिटल रिजर्व कितना होगा जो शेयर फोर फीट के पे खाया हुआ पैसा फोर फीटेड पैसा तो पंद्रह शेयर पे पांच रुपए के हिसाब से पंद्रह इंटू पांच सेवेंटी फाइव रुपीज अवेलेबल है रिजर्व में भेजने के लिए पूरा अवेलेबल नहीं होगा ठीक है ना फिफ्टीन शेयर री इशू टू पार्कर एज फुली पेड फॉर सिक्स पर शेयर उनको छह पे ही री इशू कर दिया मतलब चार रुपए का मैंने यहां पर क्या किया है चार रुपए का यहां पर मैंने डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट सपराइट कर देता हूं यहां पर अमाउंट अवेलेबल तो मुझे पता है सेवेंटी फाइव है पंद्रह शेयर पे चार रुपए का मैंने डिस्काउंट दिया मतलब सिक्सटी रुपीज का मैंने डिस्काउंट दे दिया यहां पे करेक्ट है क्या तो अमाउंट रेलिवेंट अमाउंट जो कैपिटल रिजर्व में मैं भेजूंगा वो हो जाएगा पंद्रह रुपए करेक्ट इन्होंने क्या मांगा है इन्होंने कहा है वॉट इज द बैलेंस इन शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट आफ्टर द रिलवेंट अमाउंट हैज बीन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व मुझे पहले पढ़ लेना चाहिए था अगर मैं पहले पढ़ लेता ना तो और शॉर्ट में सॉल्व हो जाता देखो सेवेंटी फाइव रुपीज अमाउंट फोरफिटेड था अवेलेबल टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व था उसमें से सिक्सटी रुपीज का डिस्काउंट दे दिया पंद्रह कैपिटल रिजर्व में गया तो सेवेंटी फाइव रुपीज में से टोटल अमाउंट फोरफिटेड कितना है हंड्रेड में से आ, कितना अवेलेबल है कैपिटल रिजर्व में भेजने के लिए सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव में से सिक्सटी का डिस्काउंट दे दिया

तो पंद्रह पे जो भी अमाउंट फोरफिटेड है या तो डिस्काउंट में चला जाएगा या कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा शेयर फोर फीचर में क्रेडिट नहीं रहना है वो या तो एस के नाम से डेबिट होकर डिस्काउंट में आ जाएगा या एस के नाम से डेबिट होकर कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट हो जाएगा तो हंड्रेड का अमाउंट फोरफिटेड है उसमें सेवेंटी फाइव तो जाना है तो बचेगा कितना ट्वेंटी बचेगा तो थर्टी का सी हो जाता है ठीक है ना तो डायरेक्टली आप इसको सॉल्व कर सकते थे ये रिक्वायर्ड ही नहीं था सीधा यहां से आंसर आ जाता है हंड्रेड का अमाउंट फोर फिटेड है और री इशूड शेयर कर दो तो बचा हुआ शेयर फोर अंदर पड़ा रहेगा कैपिटल रिजर्व मांगा होता तो फिर नीचे वाली कैलकुलेशन और चाहिए थी क्वेश्चन नंबर डन की तरफ जाते न्यू फाउंड लिमिटेड टूक ओवर द बिजनेस ऑफ ओल्ड लैंड लिमिटेड एंड पेड फॉर इट बाई इशू ऑफ थर्टी थाउजेंड इक्विटीड ईच एट पार अलॉन्ग विद्स परसेंट प्रिफरेंस ऑफ रूपीज करोड़ एट अ प्रीमियम फाइव परसेंट एंड चेक ऑफ एट लाख व्हाट इज टोटल दीड परचेज कंसिडरेशन पेबल टू ओल्ड लैंड लिमिटेड जितना भी पैसा हम शेयर्स डिवेंचर चेक के थ्रू दे रहे हैं उसकी टोटल लगा लो वो परचेज कंसिडरेशन होगी तो इक्विटी शेयर मैंने इशू किए हैं कितने थर्टी थाउजेंड हंड्रेड का है हंड्रेड ईच एट पार तो थर्टी थाउजेंड इंटू हंड्रेड कर देते हैं थर्टी थाउजेंड इंटू हंड्रेड दर्टी लाख रुपीज है ना विथ प्रेफरेंस शेयर ऑफ वन करोड़ तो प्रेफरेंस शेयर हो जाएंगे uh, एक करोड़ के ठीक है ना ऑफ एट अ प्रीमियम ऑफ पाँच परसेंट तो इसका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी ऐड कर दो क्योंकि सामने वाले को शेयर इशू हो रहे तो प्रीमियम का पैसा भी एसेट के थ्रू ही भुगता होगा तो वन करोड़ इन पाँच परसेंट तो यहाँ पर पाँच लाख की प्रीमियम भी मैं ऐड कर देता हूँ ठीक है ना और चेक भी दिया है तो चेक का पैसा भी जोड़ दो आठ लाख ये भी पे हो रहा है ये टोटल परचेस कंसिडरेशन हो गई इतना पैसा दिया जाता है तो एक करोड़ प्लस थर्टी फाइव लाख प्लस एट लाख तो टोटल परचेज कंसिडरेशन वन करोड़ फोर्टी थ्री लाख की बन रही है पे, प्रीमियम भी जोड़ी जाएगी आ, और चेक का पैसा भी जोड़ा जाएगा तो थर्टी फोर का आंसर बी है एंड दैट्स करेक्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्टी फिफ्थ

ए और बी का रेशियो थ्री टू टू है अच्छी बात है सी को एडमिट किया है कितना शेयर वो बता ही नहीं रखा मुझे पर ये बता रखा है कि जो भी शेयर है सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर एंड ही टेक्स वन फोर्थ ऑफ हिज शेयर सी का जो भी शेयर होगा उसका वन बाय फोर तो सी का शेयर इन टू वन बाय फोर वो दे रहा है ए वन फोर्थ ए दे रहा है यानी बी कितना दे रहा होगा ऑफकोर्स थ्री बाय फोर दे रहा होगा टोटल शेयर वन है तो वन का वन फोर्थ ए दे रहा है तो थ्री फोर्थ बी देगा B gives 3 by 16 from his share. B का तो sacrifice बता दिया. B 3 by 16 दे रहा है. मतलब B का sacrifice पता है. ठीक है. अब इन्होंने मांगा है. What is the share of C? C का कितना share होगा? तो can I say C's share का 3/4 मतलब C का share into 3 by 4 is equal to B's sacrifice? Now C's share I don't know. क्वल टू थ्री बाय फोर इन टू थ्री बाय फोर वुड बीवल टू बीस सेक्रीफाइस तो, तो यहां से सी का शेयर नहीं निकाल सकते है। बहुत सिंपल है सी शेयर वुड बी इक्वल टू थ्री बायसटीन इन टू फोर डिवाइडेड बाई थ्री तो थ्री से थ्री कैंसिल हुआ फोर वन जोर फोर फोर सिक्सटीन सी का शेयर वन फोर्थ हो गया यही मांगा है एक्सक्यूज <coughs> मी और अब वन बाय फोर का वन बाय फोर करोगे तो ए का सेक्रीफाइस भी आ जाएगा मांगा नहीं वैसे, fourth, है वैसे बट जस्ट इन केस वन फोर्थ सी का शेयर वन बाय फोर है वन बाय फोर का थ्री बाय फोर दैट इज थ्री बाय सिक्सटीन येस और वन बाय फोर का वन फोर्थ दैट इज वन बाय सिक्सटीन ये किसका हो जाएगा ए का हो जाएगा अब इनके ओल्ड में से सेक्रीफाइस माइनस करो तो न्यू आ जाएगा पर न्यू मांगा नहीं हमसे सो दैट इज इट ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन

एट हंड्रेड शेयर ट्वेंटी लैख इक्विटी शेयर्स हैं, ठीक है ना? तो शेयर शेयर आठ सौ शेयर पे चार रुपए नहीं आए हैं आठ सौ शेयर पे चार रुपए नहीं आए हैं और मैंने मंगाए कितने मैंने मंगा लिए हैं आठ रुपए मंगा लिए डेट एट पर शेयर एट पर शेयर कॉल्ड आठ सौ पे चार नहीं आए मतलब चार आए ठीक है क्या मेरे से एक्चुअली क्वेश्चन में मांगा क्या है मुझसे मांगा सब्सक्राइब बट नॉट फुलीड वॉट विल बी दी अमाउंट अपियरिंग एज सब्सक्राइब बट नॉट फुली अप कैपिटल समझना शेयर है दस रुपए का और मैंने आठ ही मंगाया है सब्सक्राइब्ड एंड फुली अप कैपिटल में कोई कैपिटल तब क्लासिफाई होगी जब वो फुली कॉल्ड और फुली पेड हो फुली कॉल्ड भी होना चाहिए और फुली पेड भी होना चाहिए पार्टली कॉल्ड है तो एंड फुली सब्सक्राइबीडअप में तो कुछ जा ही नहीं सकता जो भी जाएगा एंड नॉट फुली में ही जाएगा और कितना जाएगा जो अमाउंट आ चुका है तो कितना आ चुका है आठ शेयर पे चार रुपए है। है ना बचे हुए की बात करते हैं आगे क्या लिखा है फ्रॉम अनदर शेयर होल्डर हु हेल्ड शेयर फाइव हंड्रेड शेयर है ना उस पर क्या हुआ है एंड थ्री पर शेयर नहीं रिसीव हुआ है देखो क्या लिखा है टिल डेट एट पर शेयर बीन कॉल्ड इन दी एंटायर अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट फोर पर शेयर ऑन एट हंड्रेड शेयर एंड थ्री पर शेयर फ्रॉम अनादर होल्डर हुड फाइव हंड्रेड शेयर ठीक है ना ये रिसीव नहीं हुआ एक्सेप्शन है तो आठ मंगाए थे तीन नहीं आए मतलब पांच आए होंगे तो पांच सौ पे पांच आया ठीक है ना बाकी सबने पूरे आठ दे दिए तो बीस लाख जो टोटल है बीस लाख में से मैं आठ सौ निकाल देता हूं और पांच सौ निकाल देता हूं जो पार्टली पेड है तो अब जो बचते हैं वो है वन लाख नाइन्टी नाइन थाउजेंड एक्चुअली बचते हैं नाइनटीन लाख नाइन्टी एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड शेयर इस पे आठ रुपए आ गए ठीक है ना तो थर्टी टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव हंड्रेड इनपे आया आठ सौ शेयर पे चार रुपए हैं चार नहीं आए पांच सौ शेयर पे तीन नहीं आए पांच आए ढाई हजार आए और बचे हुए तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो यही एक एफर्ट लगाने वाला पार्ट है 19 लाख 98,700 इनटू एट विच इज़ वन करोड़ 59 लाख 89,600 ठीक है तो uh, अब इसमें मुझे प्लस कर देना है बस प्लस 3200 प्लस 2500 तो दैट्स 1 करोड़ वेरी क्लोज टू द देखिए ये फिगर आ गया उसके बाद जो ऑप्शन इसके कुछ क्लोज है वही आएगा बाकी सब इससे बहुत बड़े हैं तो वो नहीं हो सकते क्योंकि इसमें कुछ छह हजार रुपए के आसपास ऐड करना है छह हजार रुपए के आसपास ऐड करना है तो लाख वाला फिगर हजार वाला फिगर बदलना नहीं है ना तो लाख वाला फिगर नहीं बदलना है सिर्फ हजार वाला बदलना है तो वन करोड़ लाइक एटी नाइन सिक्स हंड्रेड एटी नाइन वन करोड़ फिफ्टी नाइन लैक एटी नाइन सिक्स हंड्रेड प्लस थर्टी टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव हंड्रेड तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा थर्टी सिक्स का सी इज एप्सोल्यूटली करेक्ट तो ये हमारे सेक्शन वन uh, के पार्ट ए पार्ट वन के सेक्शन ए और बी हो गए सेक्शन सी के स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन रहेगा जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था इसमें uh, दो के स्टडीज रहेंगी पार्टनरशिप पे एक के स्टडी है जिसपे तीन क्वेश्चन है

आपको बची हुई केस स्टडी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आप वो छोड़ रहे हैं तो जो भी चैप्टर का क्वेश्चन आप छोड़ेंगे उसकी पूरी केस स्टडी पढ़ के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है सो सेक्शन सी कैन कैन बी टू सेव सम टाइम एक क्वेश्चन जिस भी चैप्टर का छोड़ना है उसकी केस स्टडी पूरी नहीं पढ़नी ठीक है ना और जिस तरीके के सैंपल पेपर में क्वेश्चन दे रखे हैं और जिस तरीके के बाकी जगह जो मॉडल पेपर आए उनमें क्वेश्चन दे रखे हैं बहुत आसानी से क्वेश्चन uh, अटेम्प्ट हो सकते हैं जिसका भी आप क्वेश्चन छोड़ रहे हैं सिर्फ उसी के लिए आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा अदरवाइज आप दो या तीन लाइन में अटेम्प्ट कर सकते हैं हैं चलिए क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते देखिए वीडियो से अगर आपको किसी भी तरह की वैल्यू मिल रही हो ना प्लीज इतने एफर्ट्स लगते हैं पूरा पेपर आप लोगों के लिए सॉल्व कर रहा हूं मैं लाइक जरूर से कर दीजिएगा वीडियो को शेयर करिएगा इसको अपने क्लासमेट्स के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ किसी को भी इससे वैल्यू मिलती है उसको सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाया तो दबा दो चैनल को बहुत हेल्प होगी इससे बेल आइकन दबा देना ताकि फ्यूचर में कुछ भी वीडियो अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिले मैं फ्यूचर में और भी मॉडल पेपर्स अपलोड करूंगा गिवन दैट के इस वीडियो पे अच्छे लाइक्स आ जाए तो मेक मी कंटेंट के हाँ एक सेटिस्फैक्ट्री नंबर ऑफ लाइक्स आ जाए तो लाइक like करो वीडियो को अच्छे लाइक्स आए एक, एक सफिशिएंट नंबर ऑफ लाइक्स आए तो मैं आगे और मॉडल पेपर्स आई कमिट के मैं और मॉडल पेपर्स अपलोड करूंगा राइट चैनल की आप किसी भी तरीके से हेल्प करना चाहते हैं तो कुछ डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए उसमें जाकर आप हेल्प कर सकते हैं और अगर अच्छा रिस्पॉन्स uh, मिलता है अच्छे व्यूज़ मिलते हैं मुझे मेरे मॉडल पेपर्स पे तो फिर मैं फ्यूचर में लाइव आके आपके पर्सनली डाउट्स भी सॉल्व करूंगा मैंने ऑन्टरप्रनोरशिप के लिए भी ये किया था और अगर आपकी सफिशेंट नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट आती है किसी भी तरह का कोई टॉपिक है जो आपका वेल well प्रिपेयर्ड नहीं है और उस पर अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं इस सैम्पल पेपर से रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड इंस्टाग्राम पे जाकर भी मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं अगर यहाँ कमेंट सेक्शन में नहीं पूछना चाहते हैं आप तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है सी ए अनिकांत कुणावत और वहां पर आप मैसेज करके भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं चलिए मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके डाउट्स का जवाब दे पाऊं बट देखिए बहुत सारे बच्चे एक साथ डाउट पूछेंगे आई हैव अदर वर्क कमिटमेंट एज वेल तो गुस्सा मत करना अगर किसी का जवाब नहीं दे पाऊँ तो आई एल मेक बेस्ट एफर्ट्स टू आंसर एज मेनी क्वेश्चन एज आई कैन ठीक है चलिए तो सेक्शन सी करते हैं सेक्शन सी के अंदर हमें इंस्ट्रक्शन दी हुई है वो ठीक है केस स्टडी है केस स्टडी मेरा आपको सजेशन रहेगा कि केस स्टडी पहले मत पढ़ो पहले पढ़ो कि मांगा क्या है तो उन्होंने कहा है कि अमाउंट कलेक्टेड ऑन एप्लीकेशन एप्लीकेशन पे कितना पैसा आया ये पता करना है ठीक है तो एप्लीकेशन मनी पता करनी है फर्स्ट एंट्री जो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन होती है उसमें बैंक के अगेंस्ट कितना पैसा लिखा रहेगा वो पता कर लेना है ठीक है आ, और मतलब आ,

डायरेक्टर्स हैव डिसड ट्वेंटी परसेंट ऑफ दिस रिक्वायरमेंट वुड बी भी थ्रू डेट तो इसका 20% परसेंट पचास करोड़ का 20% परसेंट वो तो 10 करोड़ हो जाएगा तो 10 करोड़ सो डेट से आ रहा है तो इसका मतलब बचा हुआ चालीस परसेंट जो है आ, प, बचा हुआ जो अस्सी परसेंट जो है वो आ जाएगा हमारा इक्विटी से है ना तो वो हो जाएगा चालीस करोड़ ठीक है and balance by issue of equity share as per the memorandum of association of the company the face value of equity share is 100 ek share 100 rupees ka hai also considering the market standing of the company these shares would be issued at a premium of 25% main 25% ki premium pe issue kar sakta hu to meri issue price par jo per share jo hai wo 125 ho sakti hai mujhe chahiye 40 crore rupees 125 से divide करूंगा तो मुझे पता पड़ जाएगा कि कितने number of equity share issue करने पड़ेंगे जो मेरा थर्टी question है राइट right. तो चालीस इंटू चालीस करोड़ 40 करोड़ डिवाइडेड बाय 125 सो दैट इज 32 लाख इक्विटी शेयर 38 का आंसर आ गया अब अगर आप इश्यू ऑफ शेयर के दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करें एक क्वेश्चन आपके पास पावर है यहां छोड़ने की बची हुई केस स्टडी पढ़नी नहीं आप नीचे पार्टनरशिप पे आ जाओ और अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो फिर आगे पढ़ो ठीक है थर्टी टू लाख शेयर इशू कर सकें है ना थर्टी टू शेयर थर्टी टू लैख शेयर इशू करोगे तो हर शेयर पे एक सौ पच्चीस रुपए आएगा तो चालीस करोड़ रुपए आ जाएंगे आगे बढ़ते हैं द प्रोस्पेक्टस वॉज इशू टू पब्लिक एंड द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब इशू ओवर सब्सक्राइब हो गया ठीक है ना तो मेरे को शेयर कितने इशू करने थे मेरे को बत्तीस लाख शेयर इशू करने थे बाय इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब बाय टू लाख शेयर दो लाख से ओवर सब्सक्राइब हो गया मतलब एप्लीकेशन रिसीव कितनी हो गई थर्टी टू प्लस टू 34 लाख ,00 की एप्लीकेशन हो गई अब दूसरा मुझे बताना है कि कितना अमाउंट एप्लीकेशन पे रिसीव होगा और इन्होंने क्या रखा है कि एंटायर अमाउंट एप्लीकेशन पे रिसीव्ड है तो एप्लीकेशन 125 रुपए की होगी 34 लाख ,00 125 तो जो एप्लीकेशन पे पैसा आएगा वो आ जाएगा 42 करोड़ 50 लाख रुपए व्हिच इज ऑप्शन ए ठीक है ना और एनी व्हिच वेज अमाउंट कलेक्टेड ऑन एप्लीकेशन चालीस करोड़ पे क्योंकि ओवर सब्सक्राइब हुआ है तो चालीस करोड़ से तो ज्यादा ही आना चाहिए क्योंकि प्रीमियम भी है तो प्रीमियम और सारा मिलाकर फेस वैल्यू के हिसाब से चालीस करोड़ आना चाहिए और प्रीमियम जोड़ोगे तो चालीस करोड़ से ऊपर वाला फिगर ही आएगा एक ही फिगर है जो चालीस करोड़ से ऊपर है यानी ऑप्शन ए हो जाएगा नन ऑफ दीज हो सकता है बट अगर आप तुक्का मार रहे हैं तो ऑल ऑफ दीज होता है तो इट्स अ कैलकुलेटेड गेस के ऑल ऑफ दीज को आप चुन लीजिए और नन ऑफ दीज होता है तो इट्स अ कैलकुलेटेड गेस के नन ऑफ दीज के अलावा चुनिए तो यहां पर अगर तुक्का भी मारते चालीस तो करोड़ से ज्यादा वाला फिगर इज अ सेफ बेट टू टेक ठीक है ना ये दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ये पार्टनरशिप की केस स्टडी है मैं पहले नीचे पूछूंगा कि मांगा क्या है तो थर्टी नाइन क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट दी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इसमें से कितना प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा ये नहीं बोला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर किया जाएगा फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं पूछा है टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पूछा है मतलब मांगा है आपसे बेसिकली यहां पे नेट प्रॉफिट मांगा ठीक है दोस्त फिर कह रखा ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी आउट ऑफ तो रेमुनरेशन कौन से प्रॉफिट से प्रोवाइड किया जाएगा प्रॉफिट्स ऑफ द अकाउंटिंग ईयर रिजर्व अक्यूमिलटेड प्रॉफिट गुडविल तो प्रॉफिट फॉर दी अकाउंटिंग ईयर बिना केस स्टडी पढ़े ही इस ऑप्शन का इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट पार्टनर विल रिसीव फॉर द करंट अकाउंटिंग पीरियड फर्स्ट डिसंबर को किसी पार्टनर ने हमें एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करिए तो एडिशनल कैपिटल पे तो इसको कुछ नहीं मिलेगा लोन एडवांस किया चालीस हजार रुपए का चालीस तो हजार का लोन है फर्स्ट दिसंबर को किया तो दिसंबर जनवरी फेबर और मार्च चार महीने का इंटरेस्ट मिल जाएगा सिक्स परसेंट की रेट से मिल जाएगा करेक्ट है तो चालीस हजार इंटू सिक्स परसेंट डिवाइडेड बाय ट्वेल्व इंटू फोर तो आपको आठ सौ रुपए का इंटरेस्ट मिल जाएगा दैट इज इट तो ये भी सॉल्व हो गया बिना के स्टडी पढ़े माइ डियर फ्रेंड्स अगर मैं पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन छोड़ना चाहता हूं मुझे ये पूरा पैराग्राफ और विद दिस बॉक्स दिस पर्टिकुलर अमाउंट्स आई डो नॉट इवन नीड टू रीड इट मेरे बिना पढ़े ही दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं ऐसी पॉसिबिलिटी आपके एक्चुअल पेपर में भी हो सकती है दिस इज अंपल पेपर एंड सैंपल पेपर इज इंडिकेटिव ऑफ द एक्चुअल पेपर दैट इज गोइंग टू कम इन योर एग्जाम तो आप बिना अटेम्प्ट किए भी कर सकते हैं राइट गाइस चलिए अब ऊपर चलते हैं फर्स्ट सेप्टेंबर ट्वेंटी ट्वेंटी फर्स्ट सेप्टेंबर ट्वेंटी ट्वेंटी ये इंपॉर्टेंट लाइन है ये पूरा ईयर ट्वेल्व मंथ्स का है ही नहीं सेप्टेंबर में स्टार्ट हुआ है अक्टूबर मिडिल ईयर होता है तो सात महीने का ही साल है यह बात ध्यान रखनी है ट्वेंटी स्टूडेंट्स ऑफ मॉडर्न कॉलेज स्टार्टेड देर पार्टनरशिप फर्म इन द नेम ऑफ बी सेफ फॉर सेलिंग सैनिटाइजर ऑन डिजिटल मूड सिंस देवर गुड फ्रेंड्स ऑफ ईच अदर देर नॉट है

इसके बाद टोटल रेमुनरेशन टू पार्टनर टू थाउजेंड पर मंथ पर मंथ है और इस साल में मेरे सेवन मंथ्स ही हैं सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च सात महीने ही है टू थाउजेंड पर मंथ रेमुनरेशन टोटल रेमुनरेशन है पार्टनर का मतलब सबका मिला के ठीक है ना तो, इन टू नंबर ऑफ पार्टनर नहीं करना है, है ना तो टू थाउजेंड इसमें से मैं रेमुनरेशन माइनस कर देता हूं क्योंकि रेमुनरेशन तो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है है ना एक्चुअली नेट प्रॉफिट मांगा है एक्चुअली एक सेकेंड नेट प्रॉफिट मांगा है मुझसे तो रेमुनरेशन तो माइनस करना ही नहीं है है ना क्योंकि रेमुनरेशन तो तो ऑफ प्रॉफिट प्रॉफिट होता है और मुझे नेट निकालने के लिए तो चार्ज माइनस करने वन थाउजेंड तो पर मंथ का रेंट है रेंट में माइनस कर दूंगा क्योंकि रेंट पेबल टू पार्टनर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तो वन थाउजेंड इंटू सेवन करूंगा सेवन थाउजेंड का रेंट माइनस हो जाएगा इसके बाद मैनेजर्स कमीशन ये भी माइनस कर दूंगा मैनेजर को जो पैसा देना है वो है फाइव थाउजेंड रुपीज़ का ये भी सप्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है क्लोजिंग स्टॉक है इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि सी ओ जी एस की कैलकुलेशन में क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी एडजस्टेड है सिक्स uh, परसेंट की फिक्स डिपॉजिट करी थी मेड ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च तो साल के आखिरी दिन करी तो इस पर कोई इंटरेस्ट अक्रू नहीं होता तो इसका कोई लेना देना नहीं है तो बेसिकली सेवेंटी माइनस ट्वेल्व फिफ्टी एट थाउजेंड का नेट प्रॉफिट आ जाता है थर्टी नाइन का आंसर हो जाएगा मेरा ए फोर्टी का भी ए और फोर्टी वन का डी सभी करेक्ट है ठीक है ना तो केस स्टडी बेस में आप ध्यान रखिएगा कि जिस भी जिस भी चैप्टर का क्वेश्चन आप अनअटेम्प्टेड छोड़ रहे हैं उसकी पूरी केस स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी सो सिंपल जो बात याद रखनी है कि क्वेश्चन को केस uh, स्टडी को पढ़ने से पहले नीचे आज क्वेश्चन जरूर पढ़ लें और उसी अप्रोच को रखते हुए केस स्टडी में उसके आंसर ढूंढिए स्टडी में केवेंट इंफॉर्मेशन होगी अब ये बीस दोस्त है जो सैनिटाइजरिलेवेंट बेसिक काम की चीज ही इस पर्टिकुलर से स्टार्ट हुई थी दिस कंप्लीट आर सेक्शन पार्ट वन दैट वॉज ऑन पार्टनरशिप एंड इशू ऑफ शेयर अब हम पार्ट टू पे आ जाते हैं

उतने डेज के लिए मेरे फंड्स ब्लॉग्ड है मेरे पास पैसा नहीं है क्योंकि मेरा पैसा या तो रॉ मटेरियल में फंसा हुआ है या डब्ल्यू में या फिनिश गुड्स में या डेटर्स में डब्ल्यू आई इज वर्क इन प्रोग्रेस तो इतने टाइम के लिए मेरे को वर्किंग कैपिटल चाहिए तो ये कह रहे हैं कि द फोकस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिवॉल्व अराउंड द मैनेजिंग रिवॉल्व्स अराउंड मैनेजिंग द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द बिजनेस सो दैट इज ट्रू ऑपरेटिंग साइकिल को मैनेज करने के लिए ही मैं वर्किंग uh, कैपिटल रखता हूँ रीजन कह रखा है इट इज़ बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इज रिक्वायर्ड टू अरटेन द लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स एंड अर्जेंसी ऑफ पेमेंट्स ऑफ लाइबिलिटीज सो असरशन भी ट्रू है यहाँ पे और रीजन भी ट्रू है ठीक है ना ऑपरेटिंग साइकिल बताता है कि कितने मेरे एसेट्स कितने लिक्विड है जितना बड़ा ऑपरेटिंग साइकिल होगा उतना ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए है ना क्योंकि लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स कम है और लाइबिलिटीज़ uh, का पेमेंट करना अगर पड़ गया तो मेरे पास पैसे नहीं होंगे ठीक है ना तो 42 का बोथ ए ए एन आर आर ट्रू आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए फोर्टी टू का बी हो जाएगा ठीक है फोर्टी टू का बी तो चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री करते हैं हम ऑफ ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन रेशियो तो अब यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा थ्योरी में ट्रैप करके क्वेश्चन फ्रेम किया गया है आई वुड से कि ये थोड़ा सा ना नंबर काटने की जिद है क्वेश्चन uh, uh, को पेपर uh, को फ्रेम करने वाले इवेल्यूएटर uh, की है ना और उस इंटेंशन से ये क्वेश्चन फ्रेम किया है बच्चा इतने सारे रेशियो सॉल्व करके आया है और इन्होंने एकदम थ्योरी में आपको कंफ्यूज़ करने की कोशिश करी है और कई बच्चों का ये पोर्शन शायद ना भी पढ़े वो तो देखिए विच ऑफ़ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो तो ट्रेडिशनल तो क्लासिफिकेशन दोस्तों स्टेटमेंट मतलब इनकम स्टेटमेंट रेशियोज आते हैं बैलेंस शीट रेशियोज आते हैं और मिक्सड या कॉम्पोजिट रेश आते हैं जो नाम आपने पढ़े ना उनके अलावा वाले सारे ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन होते हैं तो 43 का आंसर यहां पर ए हो जाएगा ठीक है ना टू थ्री एंड फोर टू थ्री एंड फाइव ये इसका आंसर हो जाएगा तो इसको ध्यान में रखिएगा ठीक है ना और इससे रिलेटेड थ्योरी एनसीआर टी टेक्स्ट बुक में शायद है तो वहां से आप और पढ़ लीजिएगा हो सकता है ये जो ऑथर्स या पब्लिशर की आप बुक पढ़ रहे हैं उसमें शायद ना दे रखा हो आई एम नॉट श्योर

प्रॉफिटेबिलिटी फिर से अगर प्रॉफिट कम कमा रहे हो तो रिस्क है ठीक है लिक्विडिटी करता है एफिशिएंसी नहीं करता है एक्टिविटी एफिशिएंसी एक ही बात है टर्नओवर सॉल्वेंसी करता है लिक्विडिटी एक्टिविटी फिर से एक्टिविटी नहीं करता लिक्विडिटी सॉल्वेंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी तीनों करते हैं तो 44 का डी हो जाएगा ठीक है फोर्टी क्वेश्चन करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इसमें से कौन सा करेक्ट है अ रेशियो इज एन अरेथमेटिकल रिलेशनशिप ऑफ वन नंबर टू अनदर नंबर तो सही बात है बिल्कुल सही है सिर्फ रेशियो की बात करिए लिक्विड इज नोन एज एसिड टेस्ट ये भी सही बात है आइडियली एक्सेप्टेड करंट इज गलत बात करेंट रेशन होता है ये गलत लिखा है आपने डेट इक्विटी रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन आउटसाइडर्स फंड एंड शेयर होल्डर्स फंड तो डेट इक्विटी रेशियो बिल्कुल सही बात है शेयर होल्डर्स फंड और आउटसाइडर्स फंड ही होता है तो ये भी सही है तो वन टू एंड फोर करेक्ट है एंड आर करेक्ट तो बी इसका सही हो जाएगा 45th का बी, बिल्कुल सही है आप समझ लीजिएगा और इस कॉन्सेप्ट स्ट्रॉग फीलिंग एक क्वेश्चन आने वाला है तो इस पर भी मैं स्टार मार्क लगा देता हूँ इट्स एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसपे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस जो है वो मल्टीपल ईयर्स का किया जाता है इसीलिए इसको टाइम सीरीज एनालिसिस भी कहा जाता है टाइम सीरीज भी कहा जाता है और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को डायनेमिक एनालिसिस भी कहा जाएगा क्योंकि ये मल्टीपल टाइम पीरियड पे किया जा रहा है इसके साथ है वर्टिकल एनालिसिस वर्टिकल एनालिसिस सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे किया जाएगा मल्टीपल ईयर पे नहीं किया जाएगा एक बात और वर्टिकल एनालिसिस को स्टैटिक एनालिसिस भी कहा जाता है क्योंकि ये इस एक ही टाइम पीरियड पे किया जाता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के अंदर कवर होता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट यह प्रैक्टिकली हमारे कोर्स में है बट टर्म टू में तो अभी आप सिर्फ नाम याद रख लीजिए कंपैरेटिव एनालिसिस और हॉरिजेंटल एनालिसिस के अंदर आते ट्रेंड रेशियोज ये हमारे कोर्स में नहीं है सिर्फ नाम याद रखना वर्टिकल एनालिसिस के अंदर आ जाएगा रेशियो एनालिसिस जो आप पढ़ चुके हैं सारे करंट रेशियो क्विक रेशियो वो वर्टिकल एनालिसिस के अंदर आता है और साथ ही वर्टिकल एनालिसिस के अंदर क्लासिफाई हो जाएगा कॉमन साइज स्टेटमेंट अगेन कॉमन साइज स्टेटमेंट कोर्स में तो है पर टर्म टू में है ठीक है ना तो वर्टिकल एनालिसिस के अंदर क्या आ जाएगा रेशियो आ जाएगा और कॉमन साइज आ जाएगा कंपेरेटिव हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में जाता है तो वन एंड थ्री तो बी ऑप्शन यहां हो फोर्टी सिक्स का बी आगे बढ़ते हैं 47. 1, तो, करते का ही है. तो इस बात का ध्यान रखना इन्वेंट्रीज से निकालते हैं मतलब करंट भी एक्सक्लूड करते हैं बट इट इज पार्ट ऑफ इन्वेंट्रीज लूज टूल्स बैलेंस शीट के अंदर लूज टूल्स इन्वेंट्री में ही क्लासिफाई होता है पेटेंट्स इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हैं तो ए हो जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस अदर करंट एसेट्स में आता है प्रीपेड अक्रूड अदर करंट एसेट्स होते हैं तो थ्री का बी हो जाएगा डिवेंचर्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स तो इसका सी हो जाएगा और मशीनरी एसेट है तो इसका ई e हो जाएगा वन का डी टू का ए का बी फोर का सी और फाइव का ई बी ऑप्शन सही है फोर्टी सेवन का बी यहां पर ना ऑप्शन जब मैच द फॉलोइंग ऑप्शन सेलेक्ट करते वक्त स्पेशल ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट विच ऑफ़ विच रेशियो इंडिकेट द प्रोपोर्शन ऑफ एसेट्स फिनेसड आउट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड बहुत सिंपल जिस भी रेशियो में टोटल एसेट्स और शेयर होल्डर फंड दोनों आते हैं वो रेशियो डिनोट करता है तो ये प्रोपराइटरी रेशियो है फोर्टी एट का सी हो जाएगा प्रोपराइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है प्रोपराइटर्स फंड या शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स आगे पार्ट uh, सेकेंड कर रहे हैं अब हम पार्ट सेकेंड का पार्ट सेकेंड तो खैर चालू कर दिया अब उसके सेक्शन बी पे आ जाते हैं यहाँ पे हमें सिक्स इक्वेशन क्वेश्चन करने बट एज यू नो मैं सारे करने वाला हूँ इफ़ टोटल सेल्स इज टू लैख फिफ्टी एंड क्रेडिट सेल इज ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ कैश सेल्स कैश सेल्स का ट्वेंटी दिया टोटल सेल्स का नहीं ठीक है ना दी अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल इज़ इन्होंने मांगा है क्रेडिट सेल कितनी है तो कैश सेल को यहाँ पे एक्स भी माना जा सकता है हंड्रेड भी माना जा सकता है हंड्रेड इज ए कन्वीनियंट अप्रोच तो कैश सेल अगर हंड्रेड हो गई तो क्रेडिट सेल हो जाएगी 25 की तो टोटल सेल विच इज कैश प्लस क्रेडिट विच इज 125 मेरी टोटल सेल 125 की है और एक्चुअल टोटल सेल 250 की है तो टू लाख फिफ्टी को जो होता है उससे डिवाइड कर देते हैं तो 250 टोटल तो सेल है तो 250 तो 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 को 125 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि वन मेरी टोटल सेल है अब जो भी कंप्यूट करना चाहते हैं उससे, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए जो होता है उससे डिवाइड करते हैं और जो कंप्यूट करने की इच्छा है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मल्टीप्लाई मुझे क्या निकालना है मुझे निकालनी है क्रेडिट सेल तो मैं क्रेडिट सेल्स यानी 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टू तो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 करते हैं व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द फर्म इफ इट्स एवरेज इन्वेंट्री एटी थाउजेंड इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो इज सिक्स टाइम्स तो इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो स्टॉक टर्न ओवर रेशियो एक ही बात होती है इसका होता है कोरो या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सी ओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री विच इज इक्वल टू कोरो तो मुझे नहीं बता रखा एवरेज इन्वेंट्री क्वेश्चन में दे रखा है एट्टी थाउजेंड की और इन्वेंट्री टर्न ओवर सिक्स का दे रखा है तो इससे बहुत कन्वीनियंटली कोरो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विच इज फोर लैख एटी थाउजेंड ये कोरो आ गया सेलिंग प्राइस क्या रखा है ट्वेंटी फाइव परसेंट अब कॉस्ट यानी कॉस्ट में पच्चीस परसेंट जोड़ेंगे तो सेलिंग प्राइस आएगी तो मेरे को चाहिए जीपी तो जीपी हो जाएगा फोर लैख एटी थाउजेंड का 4.8 ट्वेंटी फाइव परसेंट विच इज फोर लाख के आधे का आधा तो 4.8 लाख ,00 का आधा 240 240 टू फोर्टी का आधा वन मुझे मुझसे मांगा क्या कैलकुलेट दी अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट तो 120 हो जाता सेल बोलते तो इसको ऐड करके 6 लाख ,00 कर देता पर वो मांगा नहीं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मांगते ऑन सेल्स तो वैसे अगर 25 परसेंट ऑन कॉस्ट है तो 20 परसेंट ऑन सेल्स होता है वैसे है ना 25 फाइव डिवाइड बाई वन डायरेक्टली आप कर सकते हैं अगर मांगा होता और नहीं तो फिर वन ट्वेंटी अपॉन सिक्स लैक इन टू हंड्रेड दट इज ऑल्सो ट्वेंटी परसेंट किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं मांगा हमसे जीपी था जीपी हमने निकाल दिया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स कौन सी फॉल्स है वेन ऑल द कम्पेरेटिव फिगर्स इन द बैलेंस शीट आर स्टेटेड एज परसेंटेज ऑफ टोटल इट इज टर्म्ड एज हॉरिजोंटल एनालिसिस तो सारे फिगर्स कंपेरेटिव फिगर्स देखिए जो बैलेंस शीट बन के आती है शेड्यूल थ्री के अंदर उसमें करंट ईयर के फिगर्स भी होते हैं और प्रीवियस ईयर के फिगर्स भी होते हैं जब आप कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं तो करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के फिगर्स को कंपेयर करते हैं कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो यहां पर एक एब्सोल्यूट चेंज करके फिगर निकालेंगे वो होगा करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करके ये डिस्क्रिप्शन में ये नहीं बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं

रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करके परसेंटेज निकाला जाता है ठीक है ना तो ये कॉमन साइज स्टेटमेंट होती है और कॉमन साइज स्टेटमेंट वर्टिकल एनालिसिस होती है तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा है ना ऑरिजॉन्टल एनालिसिस नहीं है ये वर्टिकल एनालिसिस तो अच्छा ट्रैप क्रिएट था ऊपर कंपेरेटिव फिगर्स बोला बट डिस्क्रिप्शन जो दे रहा है वह कॉमन साइज का दे रहा है

ऑल थ्री आर फॉल्स फिफ्टी वन का डी हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है आगे हम फिफ्टी सेकेंड क्वेश्चन करते हैं Assertion reason based दे रखा है increasing the value of closing inventory increases profit. तो ट्रेडिंग yes, अकाउंट के क्रेडिट में आता है क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा मतलब क्रेडिट बढ़ेगा क्रेडिट बढ़ेगा और डेबिट सेम है तो जीपी बढ़ेगा जीपी बढ़ेगा तो वही जीपी नीचे पीएनएल में जाएगा तो नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इंक्रीजेज प्रॉफिट दिस इज ट्रू इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री रिड्यूस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिस इज ऑल्सो ट्रू क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री करेक्ट है ना तो अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री में बढ़ा दूंगा तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रिड्यूस हो जाएगा सीओ जी एस रिड्यूस हो जाएगा तो यही तो कहा है तो असर्शन भी ट्रू है रीजन भी ट्रू है और असर्शन जो रीजन है वो करेक्ट है असर्शन का सी ओजीएस बढ़ेगा तो जीबी बढ़ेगा जीबी बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो फिफ्टी टू का ए हो जाएगा फिफ्टी टू का ए इज करेक्ट आगे बढ़ता हूं मैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री की तरफ गिवन बिलो टू स्टेटमेंट असर्शन इन रीजन का फिर से क्वेश्चन आ गया हाई ऑपरेटिंग रेशियो इंडिकेट्स अ फेवरेबल पोजिशन ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट कोरो प्लस इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हाई ऑपरेटिंग रेशियो है मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है ये अच्छी बात नहीं है ये तो बुरी बात है आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होनी चाहिए अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होगी तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा आएंगे तो हाई ऑपरेटिंग रेशियो इंडिकेट्स अ फेवरेबल पोजिशन भाई साहब फॉल्स अनफेवरेबल पोजिशन है ये हाई ऑपरेटिंग रेशियो लीव्स अ हाई मार्जिन टू मीट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगेन फॉल्स अगर हाई ऑपरेटिंग रेशियो ज्यादा है मतलब ऑपरेटिंग रेशियो अगर हाई है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कम होंगे और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कम होंगे तो फिर आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को मीट आउट नहीं कर पाएंगे तो ये भी फॉल्स हो गया तो बोथ आर फॉल्स बोथ ए एन आर आर इन करेक्ट तो फिफ्टी थ्री का सी हो जाएगा चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर कर लेते हैं यहाँ पे करंट रेशियो रखा है टू पॉइंट फाइव टू वन का ओके और आगे बोला हुआ है अकाउंटेंट वांट्स टू मेंटेन इट एट टूज टू वन अकाउंटेंट को टूज टू वन चाहिए मतलब रेशियो रिड्यूस करना रिड्यूस करना मतलब करंट लेबिलिटीज़ बढ़ रही होंगी तो वहाँ रिड्यूस होगा फॉलोइंग ऑप्शंस आर अवेलेबल ही कैन रीपे बिल्स फेबल बिल्स फेबल रीपे कर देगा तो इंप्रूव हो जाएगा मतलब टूज टू से बड़ा हो जाएगा तो ये ऑप्शन नहीं है ही कैन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट गुड्स ऑन क्रेडिट परचेज किए तो येस बिल्कुल रेशियो कम हो जाएगा आपका ही कैन टेक शॉर्ट टर्म लोन येस यहाँ पर भी रेशियो डेफिनेटली कम हो जाएगा आपका एग्जाम्पल के तौर पर भी समझा देता हूँ करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़ विच इज़ 2.5 पॉइंट फाइव अपऑन वन तो इमेजनरी लेता हूँ करंट एसेट 25,000 के ले लो करंट लाइबिलिटीज़ 10,000 थाउजेंड की ले लो अगर गुड्स क्रेडिट पे परचेज किए तो स्टॉक बढ़ जाएगा तो 25,000 मान लीजिए पाँच हजार रुपये के लिए तो पाँच हजार से स्टॉक बढ़ जाएगा और अगर गुड्स क्रेडिट पे लिए तो दस हज़ार प्लस पाँच हज़ार करंट लाइबिलिटीज़ भी बढ़ जाएंगी तो ये हो जाएगा थर्टी थाउजेंड अपऑन फिफ्टीन थाउजेंड तो ये हो गया टू इज टू वन यही हमें चाहिए था आगे देखिए ही कैन टेक शॉर्ट टर्म लोन शॉर्ट टर्म लोन लिया तो कैश या बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा पाँच हज़ार का लिया मान लीजिए तो थर्टी के हो जाएंगे करंट एसेट्स और पाँच हज़ार से शॉर्ट टर्म लोन करंट लाइबिलिटीज़ में बढ़ जाएगा तो वहां पे भी इंप्रूव हो जाएगा अगर बिल्स पेबल में रीपे करता हूं तो मेरा पाँच से आ, कैश कम हो जाएगा बीस पे आ जाता हूं और दस हज़ार रुपये से बिल्स पेबल कम हो जाएंगे तो ये भी पाँच हज़ार हो जाएगा तो ये फोर इस टू वन हो जाएगा ये इंप्रूव हो गया इंप्रूव मुझे करना नहीं है मुझे तो रिड्यूस करना है तो टू और थ्री ही करेक्ट है तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही हो जाएगा तो फिफ्टी फोर का डी है ठीक है आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव अ कंपनी हैज ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ एट मंथ्स ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो चलिए मैं समझा देता हूँ आपको एक बात इलेवेंथ स्टैंडर्ड में आपने समझा होगा करंट uh, एसेट्स और करंट एसेट फिक्सड एसेट्स के बीच में डिफरेंस और करंट लाइबिलिटीज़ और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के बीच में डिफरेंस और वहां पे एक एस्टिमेटेड वे में आपको एक साल का फिगर दे दिया होगा बट दिस इज़ नॉट एब्सोल्युटली ट्रू थोड़ी देर पहले मैंने आपको ऑपरेटिंग साइकिल का कॉन्सेप्ट बताया था तो ऑपरेटिंग साइकिल बेसिकली क्या होता है कि आपके पास कैश है इस कैश से आपने रॉ मटीरियल परचेज किया इस रॉ मटीरियल को आपने प्रोसेस में लगाया तो ये वर्क इन प्रोग्रेस बना ये वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स बनेगा ये फिनिश गुड्स डेटर्स बनेंगे और ये डेटर्स वापस कैश बनेंगे ठीक है ना इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल हर बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल अलग अलग हो सकता है किसी बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल ज्यादा हो सकता है किसी बिजनेस का कम हो सकता है ठीक है ना डिपेंड करता है अगर आपका आपका बिजनेस बहुत ही शॉर्ट बेसिस पे है जैसे आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं या आप कोई लोकल रिटेल आउटलेट है तो वहां पे क्या होता है कि आपने कैश इंप्लॉय किया ऑपरेशन में और फट से आपके पास कैश वापस आ गया बट कुछ बिजनेसेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें ऑपरेटिंग साइकिल बहुत बड़ा हो सकता है जहां पे लंबा मैन्युफैक्चरिंग पीरियड है जैसे अगर मैं वाइन इंडस्ट्री की बात करूं तो वहां पे बहुत लंबा पीरियड होता है ऑपरेटिंग साइकिल का क्योंकि उसको एज करना पड़ता है प्रोडक्ट को ठीक है ना तभी वो सेलेबल क्वालिटी uh, में पहुंचता है राइट तो उनका ऑपरेटिंग साइकिल बहुत ज्यादा होगा करेक्ट है तो अगर बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल समझिएगा इफ ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द बिजनेस इज ग्रेटर देन ट्वेल्व मंथस तो आइटम्स विच आर कलेक्टेबल विद इन ऑपरेटिंग साइकिल वो करंट होंगे तो ऑपरेटिंग साइकिल और क्या नॉन करंट है समझ रहे हैं क्या? किसी बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल 18 मंथ्स आ रहा है. है तो फिर इसके अंदर मान लीजिए कोई डेटर है जिस डेटर से 13 मंथ में कलेक्शन होता है तो भी मैं उसको करंट एसे में ही क्लासीफाई करूंगा क्योंकि वह 12 के बियॉन्ड है पर 18 के अंदर है तो अगर ऑपरेटिंग साइकिल बारह महीने से ज्यादा है तो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर सब करंट है और ऑपरेटिंग साइकिल के बियॉन्ड नॉन करंट है और अगर आपका इफ योर ऑपरेटिंग इज़ लेस देन 12 मंथ अगर ऑपरेटिंग साइकिल बारह महीने से कम है ठीक है ना तो फिर ट्वेल्व मंथस के बियॉन्ड नॉन करंट हो जाएगा और ट्वेल्व मंथस के ट्वेल्व मंथ से बियॉन्ड मतलब अगर ट्वेल्व मंथ से ज्यादा है तो नॉन करंट हो जाएगा और ट्वेल्व मंथ से कम है तो करंट हो जाएगा समझिएगा बात को ऑपरेटिंग साइकिल मेरा ही ही है 7 ही है तो अगर कोई डेटर एट मंथ्स का है तो भी वो बारह महीने से तो कम है ना बारह महीने से कम है तो वो करंट ही क्लासिफाई होगा बारह से ज्यादा तो नॉन करंट होगा तो ऑपरेटिंग साइकिल अगर बारह महीने से ज्यादा होता है तो फिर ऑपरेटिंग साइकिल से करंट या नॉन करंट डिसाइड करते हैं ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर

इलेवन से सभी कम है तो सभी के सभी करंट एसेट की तरह क्लासीफाई हो जाएंगे तो फिफ्टी फाइव का डी हो जाएगा ऑल एज करंट एसेट्स सो दोस्तों ये था आपका सी बी एस ई का एक सैम्पल पेपर आई होप आपको समझ में आया होगा समझ में आया है तो आपको क्या करना है ये बात याद रखनी है वीडियो को लाइक करिए चैनल को ज्यादा से ज़्यादा शेयर करिए सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाया है, तो जाकर दबा दीजिए चैनल का किसी भी तरीके से आप हेल्प करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन uh, में कुछ लिंक्स हैं एनी काइंड ऑफ हेल्प वुड बी मोर देन वेलकम आप अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछिए इंस्टाग्राम पर भी जाके मेरा इंस्टा हैंडल है सी अनकांत कुणावत वहाँ पर डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं मेरी पूरी कोशिश रहेगी आंसर करने की वीडियो को लाइक करिए ज्यादा से ज़्यादा लाइक आए तो एज आई प्रोमिस्ड मैं और वीडियोज अपलोड करूंगा और सैम्पल पेपर्स मॉडल पेपर्स अकाउंटेंसी के सॉल्व करूंगा और अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो आई कैन इवन कम लाइव टू सॉल्व योर डाउट्स Uh, अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं दोस्तों तब तक के लिए बाय आई विश आपका दिन बहुत ही बढ़िया हो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स